स्पेशल, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज मैं अपने कौमी परचम को खिराज तहसीन पेश कर रहा हूँ। मैंने सब्ज और सफ़ेद पहना है क्योंकि आज हमारे आज की इस एपिसोड में हम खिराज तहसीन पेश करेंगे हमारे एक नेशनल हीरो को। यूं तो हम आपकी मुलाकात कराते हैं आपके सारे फेवरेट एक्टर्स के साथ। टॉक टॉक शो लाहौर स्पेशल में हमने आपकी मुलाकात कराई लॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े नामों के साथ, हमने हमारी इंडस्ट्री के आजकल के स्टार्स के साथ भी आपकी मुलाकात कराई, और हमने कुछ एस्पायरिंग यंग टैलेंट से भी आपकी मुलाकात कराई। ये टॉक टॉक शो की हिस्ट्री में पहली बार होने जा रहा है कि आज हमने हमारे एक क्रिकेटिंग स्टार को इनवाइट किया है। ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है, ये हमारे लिए बड़ी प्रिविलेज की बात है कि उन्होंने हमारे शो पर आने की हामी भरी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना प्यार और जितना इंजॉय आपने हमारी उन एपिसोड्स को किया विद योर फेवरेट एक्टर्स, आज की हमारी इस एपिसोड को विद योर फेवरेट क्रिकेटिंग स्टार आप उतना ही एंजॉय करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर इमामुल हक। अस्सलाम वालेकुम इमाम। थैंक यू, वेलकम टू द टॉक टॉक शो इमाम। थैंक यू सर। आपने हमें ज्वाइन किया यार, आप ये हमारे लिए बड़ा स्पेशल शो है। जैसे मैंने कहा अपने इंट्रो में भी, यू आर द फर्स्ट क्रिकेटर एवर हू इज कम ऑन आवर शो। थैंक यू सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे लिए भी बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि हम क्रिकेटर्स ज़रा कम जाते हैं इस तरह के शोज़ पे, क्योंकि हमें ज़रा थोड़ा सा काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना है। लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं उन चीज़ों के बारे में ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि क्यों ख्याल रखना चाहते हैं। बट इमाम मुझे ये बताएं, हम जब भी हमारे जो क्रिकेटिंग स्टार्स हैं, बल्कि हमारे मुल्क ने तो बहुत बड़े बड़े क्रिकेटिंग लेजेंड्स हमें दिए हैं, जब भी उनकी कहानियाँ सुनते हैं, उनका स्ट्रगल सुनते हैं, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है हमेशा। तो मैं चाहूँगा, आई एम श्योर आपने पहले भी शायद जिक्र किया हो, लेकिन हमारी ऑडियंस के लिए अगर आप बताना चाहें कि जो क्रिकेट का पैशन है, कब आपने अपने अंदर रियलाइज़ किया कि यार कि ओके देयर इज समथिंग गोइंग ऑन हियर। देखिए सर, एक तो ऑब्वियसली क्योंकि चाचू, इंजी चाचू की वजह से शुरू से क्रिकेट में एक जीन्स थी कि जैसे शुरू में कज़न से, जैसे आपको भी पता है आपके घर में भी सबके घर में क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो सबको बहुत पसंद है, तो इसी तरह शुरू से ही चाचू की वजह से काफ़ी शौक़ था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा, मेरा भाई भी खुद क्रिकेटर था और वो प्रोफेशनल क्रिकेटर था, तो मुझे ऐसा लगा शुरू में, क्योंकि आई वॉज वेरी हैवी, तो मुझे इतना कोई शौक़ नहीं था शुरू में क्रिकेट का। मुझे फुटबॉल देखने का बहुत शौक़ था, मगर ये था मेरे हैवी होने की वजह से मुझे भाई अपने साथ क्लब क्रिकेट खेलने जाता था कि मेरा वेट लॉस हो जाए। तो इस तरह मुझे जो है जाके पता चला कि यार, मुझे लोगों ने, आपको पता है, कमेंट मिलना शुरू था कि यार ये अच्छा टैलेंटेड लड़का है। मैं फील्डिंग अच्छी करता था तो मुझे बस बुला लिया करते थे, तो इस तरह जो है मुझे लगा। फिर जब मुझे नहीं पता, वो शौक जो है बिल्कुल पैशन में चेंज हो जाएगा। फिर चाचू को टीवी में देख देख के इतना ज़्यादा उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे हम ज़्यादा, कि जिस तरह वो मैच विनर कहलाते थे और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया, तो इस तरह जो मुझे लगा कि यार एक ख्वाहिश आई, एक इंसान के ड्रीम्स बने कि यार मुझे लगता है कि मेरा भी प्रोफेशन जो है क्रिकेट होना चाहिए। टैलेंट वोलेंट उसका मुझे नहीं पता कि कितना था, लेकिन ये था शौक बहुत ज़्यादा था। तो इसी तरह मैं गया, मोटा था बहुत ज़्यादा, हैवी था, लेकिन जो है वो ड्रीम्स जो है आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इतने बड़े होते गए कि उसके पीछे मैं लगता रहा। आपने बोला कि शायद आपको अंदाज़ा नहीं था कि आप में टैलेंट कितना है कितना नहीं है, बट माशाल्लाह यू डेब्यूट विद अ सेंचुरी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ओनली वन ऑफ टू पाकिस्तान, सेकंड पाकिस्तानी एवर जिन्होंने अपने डेब्यू में 100 हिट किया। देन यू आर द सेकंड क्रिकेटर एवर विद द सेकंड फास्टेस्ट 1000 रन जस्ट इन 19 इनिंग्स। यस यस, सो माशाल्लाह योर रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। आई वांट टू आस्क यू के बिकॉज ऑब्वियसली इंजमामुल हक आपके चचा हैं, आपसे आप उनके एक रिलेशनशिप है उनके साथ। शुरू में वो भी आवाज़ें आई कि जी पर्ची हैं। हाउ डज वन गेट ओवर दिस, क्योंकि हम ड्रामों में भी बड़ा सुनते हैं आपको कि ये नेपोटिज्म है, ये उसकी वजह से मिल गया, बट इतने अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ हाउ आर यू डीलिंग विद ऑल ऑफ दिस? अब तो सर ख़त्म हो गया है, लेकिन ये है कि मुश्किल था। ऑन अ सीरियस नोट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक
मैं जब आया तो आई वॉज 23 years old जब मैं मेरा पाकिस्तान के लिए डेब्यू हुआ, तो जजमेंटल बहुत ज़्यादा है हो जाते हैं समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आपको पता है हमारी आवाम बहुत इमोशनल है व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, और बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करने को मिली चाचू की वजह से, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बोलूँगा उसको कि वो चीफ सेलेक्टर थे जब मेरी परफॉर्मेंसेज डोमेस्टिक में बहुत अच्छी चल रही थी और डोमेस्टिक में मेरी परफॉर्मेंसेज थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो होनी होती हैं। मैंने हमेशा इसको शुरू में काफ़ी बहुत मुझे फील हुआ, मुझे याद है मैं अपना मोबाइल फ़ोन बंद करके मैं मैनेजर को दे दिया करता था शुरू के टूर्स में कि यार मुझे सोशल मीडिया देखना ही नहीं है, आई हैव क्राइड अ लॉट इन द शावर। मगर ये है कि हर चीज, जी हर चीज का कुछ ना कुछ एक लर्निंग प्रोसेस होता है लाइफ में, और उस लाइफ से इंसान आगे जाता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैच्योर इनफ, तो अब खुशी भी होती है कि जो मैंने पिछले अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्लेइंग फॉर पाकिस्तान लास्ट 7 years, तो अब 7 साल हो गए अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी चीज़ें सीख भी ली हैं, गलतियां भी की हैं, लोगों ने अप्रिसिएशन भी किया है, पर्ची के टैग्स भी लगे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, अल्लाह के सब ने चीज़ें हुई हैं, अच्छा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से एक प्रोसेस होती हैं जो कि होनी होती हैं। ये तो एक बात है ना, वैसे भी अगर मैच में कभी परफॉर्मेंस नहीं होती और हम मैच हार जाते हैं, और जो फिर होता है हमारी टीम के साथ जो अजलों से होता आ रहा है, वो तब क्या होता है, तब भी फोन बंद करके रख दिए भाई, मैनेजर को दे दिए भाई के अभी अगले 10 दिन तो हमने नहीं देखना, या अगले मैच तक जब तक जीत नहीं जाते तब तक तो हमने नहीं ट्वीट्स पढ़नी। अच्छा मुझे नहीं पता बाकी प्लेयर्स का, लेकिन ये है कि जब टूर स्टार्ट होता है तो मैं अपना सोशल मीडिया बंद कर देता हूँ, आई डोंट यूज़ ट्विटर, मैं अपना इंस्टाग्राम नहीं देखता, फेसबुक बंद हो जाता है, स्नैपचैट, ये सारी चीज़ें बंद हो जाती, मैं सिर्फ व्हाट्सएप देखता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से ये खामखा की नेगेटिविटी है, क्योंकि ये हमारे लिए नॉर्मल है, मैच हारना भी है, मैच जीतना भी है, सारे तो नहीं जीत सकते ना यार। Exactly. तो हम किसी में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, किसी में बुरी परफॉर्मेंसेस देंगे, तो क्राउड का जो क्रिटिसिज्म है वो मेरे लिए, हमारे लिए, सबके लिए नॉर्मल है। हमें पता है कि आज अगर मैं इमाम ने जीरो किया है तो आज जो है ढेर सारे पर्चियों के टैग लगे होंगे, तो ये मेरे लिए नॉर्मल है, और बाकी प्लेयर्स भी ऐसे ही सोचते हैं, और इसमें एक नॉर्मल लाइफ की तरह के यार आज हारे हैं तो आज लगता है आवाम से बहुत गालियां खानी पड़ेंगी, तो पहले से प्रिपेयर्ड है, पता है अब असल में क्या करें, हमारी वहां मैंने आपको बोला इमोशनल है, प्यार भी बहुत करते हैं क्रिकेट से, हम जीतते हैं तो हमें सर पे भी बिठाते हैं, तो वो भी एक साइड है, हम उनको वो भी देखते हैं, तो ये दोनों चीज का बैलेंस है। ये जरूर कहूंगा कि काफी ज्यादा पर्सनल हो जाता है समटाइम्स, बहुत ज्यादा अटैक हो जाता है, पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है कि हमारी आवाम इतना प्यार करती है तो ये चीजें नॉर्मल है, उसको हम भी उसी तरह ही जीत देखते हैं। मैं यही आपसे पूछने लगा था कि जब अच्छा परफॉर्म करते हैं और जब अल्हम्दुलिल्लाह मैच जीत जाते हैं, वो जो उसका मैग्नीट्यूड है तारीफों का वो ज्यादा होता है, या हारने के बाद जो गालियां जैसे आप कह रहे हैं क्रिटिसिज्म है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, जीत पे ज्यादा होता है रिएक्शन या हार पे? हार पे मेरे ख्याल से ज्यादा होता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो टीम है वो बड़ी स्टेबल टीम है, काफ़ी सारे सुपरस्टार्स आ गए हमारी टीम में, वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं, तो उनको आदत हो गई है कि जी पाकिस्तान अब अच्छा ही करेगा, लेकिन जब बुरा करते हैं और किसी का फेवरेट प्लेयर अगर ना चले उस दिन या मैच हार जाए किसी छोटी रैंक टीम से, तो हमें पता है कि अब जो है मुश्किल हो जाएगी, तो जो हमारी आवाम जब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती ना, तो वो फिर हमें पता है कि जो मैग्नीट्यूड जो हारने के बाद होगा ना वो जीतने के, अगर जीतेंगे तो हाँ यार पाकिस्तान टीम है अब तो जीतना ही था यार, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान के अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड की दूसरी टीम आई हुई थी, ये जैसे तो जीतना ही था, तो जीतना था, अगर हार जाएंगे तो फिर जरा ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है। अच्छा माशाल्लाह यू आर आल्सो यू नो नंबर 4 ओडीआई बेस्ट, नंबर 4 बेस्ट ओडीआई बैट्समैन इन द वर्ल्ड यार, इस बार हमारे शो पे है टॉक टॉक शो पे, क्या बात है यार, इसका कितना प्रेशर होता है रैंकिंग का कि भाई टॉप 5 वर्ल्ड बैट्समैन में आपका नाम है, सोचने की बात है पाकिस्तान में नंबर 3 जी, तो इसका जो प्रेशर है इसके बारे में बताएं जरा। इसका प्रेशर नहीं बोलूंगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वेरी गुड यार, गुड आंसर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से आप टॉप 5 रैंकिंग में हो, तो आपको पता है कि एक पीछे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फिर लोग आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा कर देते हैं कि यार ही हैज टू परफॉर्म, तो उसके लिए एक आपका जो एक लाइफ का ग्राफ है, एक क्रिकेट का ग्राफ है, वो आपको खुद ब खुद एक स्टेप अप करना ही पड़ता है, अपनी फिटनेस के लिहाज से हो, अपनी गेम को इवॉल्व करने के लिहाज से हो, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। ज़्यादातर मैं इतना रैंकिंग्स को इसलिए रेट नहीं करता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारी टीम की रैंकिंग जो है वो नंबर टॉप 3 में होनी चाहिए, तो मैं ज़्यादा खुश हूँ यार। ये प्रैक्टिस तो नहीं करके आए हुए आप जवाब सारे यार, मुझे लग रहा है कि ये आपने सोचा था कि मैंने आज ये सारे ये नहीं, मेरे पास अंडर टाइम था, मैंने पढ़ ली थी, मैंने कहा मैंने टाइम नहीं थी, मैंने कहा सोच लिया था मैंने क्या बोल, तो
जैसे फखर है, बाबर है, इन दोनों की रैंकिंग आपसे ऊपर है, आपस में हेल्दी कंपटीशन भी है कि यार कि आई एम गोना क्रॉस यू यार, मैंने जाना है आगे जाना है, या बाबर कहते हैं यार अभी यू नो डूड बहुत फर्क है, अभी टाइम लगेगा कैच अप करने में? अभी इस सीरीज में चेंज हुई है, इस सीरीज में मैं नंबर 2 पे था, फखर 4th पे था, तो मैं लास्ट 2 मैचेस आई थिंक 10 का आपका डिफरेंस जी जी जी, मैं वो फिर आखिरी 2 मैचेस नहीं खेला, जब आप टॉप 3 में होते हैं ना, अगर आप मैचेस आखिरी ना खेलो तो आपकी रैंकिंग्स कट जाती है, तो ऑटोमेटिकली फखर ऊपर चला गया, तो कंपटीशन तो नहीं होता। सच बताऊं तो हम लोग, मैं, बाबर और फखर स्पेशली पिछले 6 साल से इकट्ठे खेल रहे हैं, तो हमारा कंपटीशन नहीं होता। जैसे मैं आपको बोलूं, मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं रैंकिंग में हूं, सच बताऊं मैं रैंकिंग को इतना रेट नहीं करता पर्सनली, ये मेरा अपना ओपिनियन है। हाँ, अगर हमारी टीम की रैंकिंग, अगर आपको पता है हम आए थे कोई 24 घंटे के लिए नंबर 1 बने थे, उसके बाद दोबारा ड्रॉप कर गए थे नंबर 3 पे, अब हम नंबर 2 पे हैं, तो मेरी कोशिश है कि अगर हमारी रैंकिंग नंबर 1 या 2 रहे तो मेरे ख्याल से इससे कोई प्राउड मोमेंट नहीं हो सकता, वो सेटिस्फेक्शन वाकई ज़्यादा होती है जब हम बेसिकली 24 घंटे के लिए बने थे, लेकिन हाँ। आपको बता नहीं सकता कि उसकी खुशी अलग थी, क्योंकि जब आपको रेट करते हैं ना कि यार नंबर 1 टीम के प्लेयर्स हैं हम, हाँ। तो एक बहुत अलग फीलिंग होती है, तो मैं उसको ज्यादा रेट करता हूं। तो जो 24 घंटे में नंबर 1 हुए आप लोग, हाँ। आप लोगों ने क्या किया, और 24 घंटे बाद जब आप 3 पे वापस ड्रॉप किए, फिर क्या किया? क्या बताऊं आपको, चीजें ऐसी होती, नहीं बता सकता। नहीं नहीं बताया ना, ये इसका नाम ही टॉक टॉक शो है सर। हम तो ऑब्वियसली देखें 24 घंटे के लिए भी बने थे, एक तो इतनी काफी रात थी जब हम जीते, तो ऑब्वियसली जाके सोना ही था, सुबह हमने बहुत इंजॉय किया था, लेकिन हमें यह भी पता था कि 5वां वनडे है, अगर हम हार जाएंगे तो हम ड्रॉप कर जाएंगे, तो हम लड़कों ने ना कुछ ने केक मंगवाए हुए थे, ऑलरेडी ऑर्डर किए हुए थे कि यार हम बाद में सेलिब्रेट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो मैच हार गए, तो वो एक लड़के के मुझे कहा, मैं नाम नहीं बोलूंगा यार, मैंने 18,000 का केक मंगवाया था, वो तो जाया यार बाकी गलत है, ठीक ना, 18,000 का केक कितू लगता है ना, दसो सानू, वो बहुत जबरदस्त उसने कहीं, अब ये तो वो तो नहीं बनाया हुआ था ऐसे 1, 2, 3 उसने 11 फ्लोर तो नहीं बना दिए थे केक, तो अल्लाह बेहतर ही जानता है, वो केक ही नहीं आया, वो तो जब हम हार यार ऐसी गप तो नहीं मार दी कहीं की 11,000 का लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 5वां वनडे हम हार जाएंगे, व्हाइट वॉश कर रहे थे, लेकिन उस दिन उनको क्रेडिट दिया कि वो जीत गए, तो हमारा बल्कि बड़े लोग तो अभी ट्वीट भी नहीं कर पाए थे कि थैंक यू माशाल्लाह हैप्पी मोमेंट, मैंने कर दी थी फिर भी, मैंने चांस नहीं लिया, आपने कर दी, आप ज्यादा यार ये जो सीन है सोशल मीडिया का माशाल्लाह, एक तो हम देखते हैं क्योंकि हम तो बहुत एक्टर्स के इंटरव्यूज करते हैं, उनसे डिस्कशन भी होती है, एक्टर्स के लिए तो एक ही एडिट एक उनकी जॉब का हिस्सा बन गया है, दैट दे हैव टू बी रियली एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम ट्विटर, और उनको वो अपनी प्रेजेंस फील करानी है एज अ क्रिकेटर एंड मोर सो एज अ क्रिकेटिंग स्टार, बिकॉज हमारे क्रिकेटर्स भी बहुत बड़े स्टार्स होते हैं हमारे फैंस के लिए, आपकी तो बल्कि फैंस की तादाद बहुत ज्यादा होती है, हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट फॉर यू टू हैव अ सोशल मीडिया प्रेजेंस? बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से, आजकल की लाइफ में सोशल मीडिया का इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी दुनिया जिस तरफ जा रही होती है आपको ना चाहते हुए भी उधर चलना पड़ता है, ऑल दो फिर भी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने भी क्रिकेटर्स हैं हम सोशल मीडिया पे अभी भी उतना एक्टिव नहीं रहते, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना होता नहीं है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हमें ग्राउंड में रहता है, हमारे मैनेजर्स बहुत कोशिश में लगे रहते हैं कि यार अब ये पोस्ट करना है, अब ये करो, अब वो करो, तो जब हम अच्छे मूड में होते हैं तो हम कर देते हैं, वरना नहीं होते तो कहते हैं यार बाद में करेंगे, या जब परफॉर्मेंसेस ख़राब चल रही हो तो वो अगर कोई कहता है कि ये करो, उसने कहा हमें गालियाँ नहीं खानी, अभी ऐसे ही रहने दो, तो ये है। लेकिन ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हमारी क्रिकेटर्स की तरफ भी आ रही हैं, दे हैव रियलाइज्ड के इंस्टाग्राम पे एक्टिव होना है या सोशल मीडिया पे आपको अपने फैन से इंगेजमेंट के लिए आपको इंगेज्ड होना पड़ेगा, तो वो हमारे क्रिकेटर्स भी इस तरफ आ रहे हैं, जो कि आपने भी शायद नोट किया हो, बिल्कुल, तो काफी सारे जो है हेल्दी एक्टिविटीज, अच्छी बात है, बहुत मेरे ख्याल से होना चाहिए, अगर आप एक अच्छे चीज कर रहे हो और एक अच्छा डिसेंट आप अगर सोशल मीडिया एक्टिव कर रहे हो और आप इंगेज कर रहे हो अपने फैंस के साथ, क्योंकि फैंस बहुत ज्यादा इसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप ये करें आप वो करें, तो हमारे मैनेजर से हमें इनपुट मिलती रहती है, तो करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं, मैं तो इसके हक में हूं। What's your go-to app? Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, क्या आप यूज़ करना ज़्यादा पसंद है? Instagram. Instagram? Yeah. हाँ? किस तरह के DM आते हैं इमाम आपको Instagram पे? यार ये तो बताएं जरा। वो मेरा मोबाइल उसके पास है, उसे देख लेना यार जरा मोबाइल तो दो, जरा 2-4 DM हम भी देखें यार, कभी कभी मौका मिलता है। ये मैंने वैसे मजाक किया था। देखिए ऑब्वियसली मैं का कभी कभी मौका मिलता है क्रिकेटर्स के साथ हैंग आउट करने का, जरा पता तो चले कि किस तरह के डीएम्स आते हैं। देखिए शादी के प्रपोजल्स आते हैं, क्रिकेटिंग वो क्रिटिक आता है कि यार कि नहीं ये शॉट यूं क्यों खेली, यूं खेलनी चाहिए थी, किस तरह के आते हैं? डिफरेंट किस्म के आते हैं। शादी के प्रपोजल कितने आते हैं? आते हैं वो भी आते हैं। 10 में से कितने आते हैं इमाम?
चार पांच ही आते हैं, 50% यानी कि हाँ, खाली चार पांच आते हैं, 10 में से 50% शादी के प्रपोजल आते हैं, नॉट हैप्पी विद द करंट परसेंटेज। नहीं, क्या होता है कि आजकल क्या होता है कि एडिट्स बहुत चल रहे हैं। हाँ। क्योंकि आपकी कोई परफॉर्मेंस होती है उसमें जो है हमारी जो फैंस होते रील्स हैं वो रील्स बनाते हैं, वो आपके एडिट्स बनाते हैं वीडियोस के, तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है वो आते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। कि वो जो आपको स्टोरीज पे मेंशंस करते होते हैं वो उसकी जो एडिट्स और रील्स बनते हैं, सबसे ज्यादा जो मैसेजेस होते हैं ना, आपने उसको फला ने उसको टैग किया तो आपको भी टैग कर दिया, तो उस रील में आप भी हैं, तो हमारे उसमें क्योंकि अभी हमारा स्पेशली क्या है कि अभी हमारा इसके बाद एक डेढ़ महीने का गैप है इस सीरीज के बाद, तो आजकल फैंस बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार जो है इस वक्त हमारी सीरीज होनी चाहिए, हम मिस कर रहे हैं पाकिस्तान टीम को, तो आजकल इस तरह के जो है रील्स बन रही है कि हमारी टीम को सबको टैग करके कि यार ज्यादा से ज्यादा मैचेस, क्योंकि फिर आपको पता है वर्ल्ड कप का साल भी है, तो इस तरह के भी आ रहे हैं। फिर ये होता है कि जब अगर आप सीरीज में परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है तो उसमें बहुत सारा लोगों, आपको पता है सब माशाल्लाह हमारे सब जावेद मियां दाद हैं, तो वो फिर जो है वो कि जी ऐसा शॉट ऐसे नहीं खेलना चाहिए, स्ट्राइक रेट तुम्हारा थोड़ा सा स्लो है, इसको ऊपर कर दो, अच्छा ये नहीं, अगर जिस दिन ऊपर भी कर ऊपर कर दो नीचे कर दो ऐसे, जैसे मतलब जिस दिन ऊपर कर दिया तो उस दिन का तुम्हें नहीं पता कि इस वक्त पूरा खेलना था, तो ये सारी चीजें चलती रहती है। तो सच बताऊं तो मैंने जैसे आपको बोला कि ऑन द टूर मैं नहीं देखता, बाद में जब मैं जाके जब मुझे टाइम मिलता है सीरीज ऑफ हो जाती है खत्म, तो फिर मैं देखता, तो जब मैंने देखता तो मुझे बड़ी हंसी आती है समटाइम्स कि यार ये क्या कैसे कैसे लोग जो है इतना प्यार भी करते हैं बहुत ज्यादा, फिर वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो काफी मुझे बड़ा फनी भी लगता है। मुझे एक बात, मुझे हमेशा से शौक था, मैंने कहा ये मैं किसी क्रिकेटर से किसी दिन पूछूंगा, हर मैच के बाद हर एक बंदा जैसे आपने कहा जावेद में तजियाकार बना हुआ होता है, जिसने क्रिकेट नहीं भी खेली, जिसने जो ज्यादा देखता भी नहीं उसको भी पता होता है ऐ शॉट इन नहीं सी मारनी चाहिए, इंज मारदा तो छक्का लग जाना सी, यू नो ये हो रहा होता है कभी, क्या वाकई में ऐसा हुआ है कि किसी ने कोई ट्वीट या आपको मैसेज या कमेंट किया और आपने बोला यार वाकई इसने बात तो ठीक किया यार ये बंदे में है कोई एक्सपर्ट? नहीं, बहुत सारे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे होते हैं। देखिए समटाइम्स लर्निंग जो प्रोसेस है वो कभी खत्म नहीं होता और आपको कभी भी कोई भी अच्छी बात कर सकता है अगर आप वाकई में उसको सीखना चाहते हो, और मेरे ख्याल से सीखने का अमल तो रहता है। हाँ। क्योंकि आप एज ए क्रिकेटर आप सीखते रहते हो, तो आपको बहुत सारी, मुझे अब याद नहीं आ रही लेकिन बहुत सारी ऐसी, अच्छा, ऐसा होता है बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आप जब आपका मैच खत्म होता है चाहे वो घर वाले से हो या बाहर वाले से हों, ऑल्दो मेरे घर में क्रिकेट की बात मैं नहीं करता, मैंने उनको मना किया हुआ कि मेरी क्रिकेट पे बात नहीं करा करो, तो लेकिन बाहर में जब आपको कॉमेंट्स मिलते हैं तो बाद में आप जब ठंडे दिमाग से सोचते हो तो आप वाकई, मुझे बहुत दफा ऐसे लगा कि यार अगर हाँ ये हो सकता था शायद नेक्स्ट टाइम मुझे हुआ तो मैं शायद ये करूंगा। वेरी गुड, यार ये इसमें कोई बुरी बात नहीं, इसका मतलब है कि देते नहीं सजेशन वो वाले लोग जो सही देते हैं भाई के। हाँ। तो ये जो पैशन है अवाम में क्रिकेट का, यार ये आप कैसे इसको देखते हैं, ये क्या वजह हो सकती है कि इतना ऑब्सेशन है इनको क्रिकेट के साथ, कभी आपने सोचा है कि क्या वजह है यार इतने सालों से एक स्पोर्ट है उसके इतने डाई हार्ड फैंस? मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि एज अ क्रिकेटर तो मैं लकी हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बोलूंगा कि और स्पोर्ट्स की हमारी वो वाली फैन फॉलोइंग वो नहीं रही, ऑल्दो मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे स्पोर्ट्स जिस तरह क्रिकेट में है, टैलेंट तो है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो मेरे ख्याल से हॉकी में बहुत टैलेंट है, बैडमिंटन और जो है मैं देखता हूँ कि बैडमिंटन और फुटबॉल में भी लड़कों को बहुत जो है फुटबॉल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है हमारी जो पब्लिक है, तो इसका भी है कि एक तो ये शुरू से चलता आ रहा है, फिर अब जब से PSL आया है तो एक घर का ऐसा लगता है कि घर का ब्रांड आ गया PSL, तो सबको ही सपोर्ट कर रहे हो, तो सबको पता है अपनी क्रिकेट है, कोई आ रहे जीते बाढ़ में जाए हमने तो PSL को सपोर्ट करना है बिल्कुल, तो उस वजह से काफी हो गया। फिर माशाल्लाह पाकिस्तान की टीम पिछले 4-5 साल से अच्छा कर रही है, हम वर्ल्ड कप के फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में एंटर कर रहे हैं, फिर कुछ प्लेयर्स भी जो है हमारे वर्ल्ड रैंकिंग में हो गया, फिर बाबर एक ऐसा हमारा प्लेयर बन गया है जो मेरे ख्याल से वर्ल्ड में जिसकी रिकॉग्नाइजेशन बन गई है, तो काफी सारे हैं, फिर एक ऐसी चीज है जो हमारे घरों से चलती आ रही है, फिर एक ऐसी कम्युनिटी है वॉचमैन से लेके एक स्कूल बॉय से लेके एक PN से लेके सबको क्रिकेट का शौक है, बिल्कुल है, तो इस वजह से ये पॉपुलैरिटी अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मतलब काफी ज्यादा हो गई है। अच्छा एक बात बताएं, आपने PSL का जिक्र किया, अब क्योंकि ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है पिछले बहुत सारे सालों में, पाकिस्तान में भी PSL हैज बिकम सच अ बिग ब्रांड, आपने भी तो खाली 2 T20 खेले, इसकी क्या वजह यार माशाल्लाह, जबकि ODI में आप नंबर 4 बैट्समैन इन द वर्ल्ड। सर बाबर रिजवान जगह ही नहीं देते किसी को जैसे हम वनडे में जगह नहीं देते, हाँ। इस तरह बाबर रिजवान जगह ही नहीं देते T20 में, और इस तरह होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन आपका होना चाहिए, जैसे मैं वनडे और टेस्ट पिछले 6 साल से खेल रहा हूँ, T20 में मैं टीम में मिलता हूँ होता हूँ, प्लेइंग 11 में नहीं होता, क्योंकि हाँ। जब आपके दो ओपनर्स जिसका एक जैसे बाबर नंबर 3 पे है T20 में, रिजी
4-5 पे है, तो जब आपके वर्ल्ड रैंकिंग में तो बहुत हेल्दी कंपटीशन हो जाता है। अब आप देखें काफी सारे ओपनर्स है जो मिडिल ऑर्डर खेलना चाह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ओपनर्स में शायद चांस नहीं है, इसी तरह वनडे में भी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुन के बीइंग एज एन ओपनर के, शायद जब हम पहले क्रिकेट में सोचते थे तो हमारा एक ये वीकनेस समझी जाती थी कि हमारे पास ओपनर्स नहीं थे, जब जाओ तो 10 पे 3 आउट हैं, तो वो एक अब हमारी स्ट्रेंथ बन गई है। तो मैं काफी प्राउड फील करता हूं, तो कि इन द एंड मुझे खुशी होती है कि यार हमारा हेल्दी कंपटीशन है, वो भी ऐसी जगह पे जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान की वीकेस्ट पॉइंट समझा जाता था ओपनर्स। तो कोशिश में तो हम भी लगे हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको एक राइट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसके फिर अपने आपको समटाइम्स जो है आप अनलकी भी फील करते हो, आप परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, लेकिन आपको बेंच पे बैठना पड़ता है क्योंकि आपके जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये हेल्दी कॉम्पिटिशन मेरे ख्याल से एक्टिंग लाइक वन ऑफ योर क्रिटिक्स, वो जो कॉमेंट करते हैं यार इमाम आपका स्ट्राइक रेट बड़ा लो है T20 में 84 है यार, इसकी क्या वजह है फिर बताए ना, क्या ये वजह तो नहीं है? देखे बहुत सारी वजहें होती हैं, मगर ऑब्वियसली ये है कि जिस तरह बाबर और रिजी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो अभी इस वक्त मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी इस वक्त जो ओपनर है वो जितना मर्जी अच्छा परफॉर्मेंस दे दे कि वो बाबर और रिजी को टारगेट कर सके। उन्होंने पिछले 2 साल से हमारी T20 की टीम को बहुत ऊपर लेके गए हैं, हम फाइनल खेले हैं और सेमीफाइनल भी खेले हैं, वर्ल्ड कप का एशिया कप का फाइनल खेले हैं, तो उनकी बहुत सारी सर्विसेज हैं पिछले 2 साल से, जिस वजह से पाकिस्तान की टीम T20 में बहुत अच्छा कर रही है। तो मेरा किसी ओपनर की भी जगह नहीं बनती। बट वैसे डू यू लाइक फील समटाइम्स कि यार ये जो एक PSL का एक क्रेज होता है, आप खेलते भी हैं जालमी के साथ, तो उसको आप मिस भी करते हैं नेशनल स्क्वाड, एज फार एज द नेशनल स्क्वाड इज कंसर्न्ड? देखिए बहुत मिस करते हैं, बहुत फर्क है PSL और पाकिस्तान इंटरनेशनल में। अच्छा, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम पे। देखिए जब आप पाकिस्तान की शर्ट पहनते हैं ना, तो इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम, वो बॉल लगती नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर और इमोशंस आपके बीच में आ जाते हैं। हमने देखा भी है कि काफ़ी प्लेयर्स जब PSL में परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में आते हैं तो काफ़ी लोग ऐसा लगता है कि यार ये वो प्लेयर ही नहीं शायद खेल रहा है, क्योंकि इज दैट द प्रेशर? अगर आप मेरे से पूछेंगे पर्सनल एक्सपीरियंस, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। बेसिकली आपका पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है फिटनेस का, एक इमोशंस का, एक प्रेशर मेंटल स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में भी, कि आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जब 2 से 3 इनिंग्स फेल हो जाते हो आप पाकिस्तान के साथ जब खेलते हो इंटरनेशनल में, आपको पता है फिर आपको क्रिटिक्स का सामना करना पड़ता है, फिर बड़ा मैटर करता है कि आप 3 इनिंग्स के फेल होने के बाद आप अपनी 4th इनिंग्स के लिए जब आप स्टेप इन करते हो आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में जा रहे हो, वो फिर आपका सही दिखाती है कि आप मेंटली कितना स्ट्रांग हो। वो हमें शायद PSL में हमें नहीं होता, क्योंकि क्या आते हैं आपको पता है 10 मैचेस हैं, और अगर आज आप क्वेटा से खेल रहे हो तो अगले साल शायद जलमी से खेलोगे, जलमी से नहीं तो इस्लामाबाद से खेलोगे, और वो एक घर का एक ऐसा लगता है कि मेरी फ्रेंचाइज तो है ना, तो वो प्रेशर आप कभी भी नहीं लेके आ सकते क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। जैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में आप स्टेप इन करते हो तो वो ऐसा लगता है कि बॉल 1 से कुछ और गेम है, तो ये बड़ा फर्क है। तो उसको मिस इसलिए जरूर करते हैं कि PSL में फन एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा सा रिलैक्स माहौल होता है, फैमिलीज भी अलाउड होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनेशनल में पिछले कोविड भी था, फैमिलीज बहुत ज्यादा कम होती हैं, तो ये वाला माहौल भी आ जाता है, तो एक ऐसा लगता है कि घर का कोई इवेंट चल रहा है, तो वो वाला प्रेशर रहता ही नहीं है, वो एक इवेंट चल रहा होता है जिसमें हम भी इंजॉय कर रहे थे। बाय सेइंग दैट ऑब्वियसली परफॉर्मेंस का भी होता है कि यार हम परफॉर्मेंस अच्छे करेंगे तो हमारी कैटेगरी भी अच्छी होगी, तो ये भी, लेकिन डिफरेंस है बहुत ज्यादा। तो ये मैं मुझे पता चला है कि यू आर ऑल्सो अ बिट ऑफ अ प्रैंकस्टर, आप बड़े प्रैंक्स करते हैं अपने टीममेट्स के साथ, ये बात सच है या नहीं है? सच बिल्कुल सच है। आप तो खैर बड़े हो गए, अब तो मैं 2 साल से वो इमामुल हक रहा ही नहीं जो पहले था, लेकिन ये क्यों इमाम ये बताएं, बाकी बातें छोड़े, 2 साल में वो इमामुल हक क्यों नहीं रहे आप, क्या हुआ है? मेरी अम्मी कहती है बड़े हो जो आंटी रिश्ता कराने के लिए तो नहीं कोई लड़की छड़की ढूंढ रही? वो तो उनका बस चले तो कल करा दे। क्यों नहीं कर पा रहे आप ये शादी? डर लगता है बस थोड़ा सा। किससे? किससे होनी है उससे? यार ऐसे क्यों, क्या वजह है ये? देखिए मुझे ऐसा लगता है यूजिंग के परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है? नहीं, इसका परफॉर्मेंस से वैसे है, मुझे ऐसा लगता है अच्छी हो जाएगी और। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है। अब तो माशाल्लाह काफी हमारे मेरे से छोटों की हो गई हैं, शदाब गॉट मैरिड, शाहीन गॉट मैरिड, हारिस रऊफ, शान, बहुत सारे हैं, सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सब अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें परफॉर्मेंस का कोई लेना। देखिए आपका लाइफ पार्टनर आएगा तो मेरे ख्याल से जो नेगेटिविटी होती है उससे आपको पॉजिटिव में चेंज हो सकती है जब आपका लाइफ पार्टनर आपको अच्छा मोटिवेट करेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये होता है, मुझे ऐसा लगता है अभी आई एम स्टिल नॉट दैट मैच्योर, मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल अभी मैं अपनी चीज़ों में हूँ, रिस्पॉन्सिबल अभी मैं अपनी चीज़ों का ही हूँ, मैं
बहुत सारी चीजें जो मुझ में मेरे में ही है अभी तक, तो वो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शादी कुछ अरसे बाद से, बट ऑफ कोर्स यू वांट टू गेट मैरिड, एवरीबॉडी वांट्स टू गेट मैरिड, आई वांट टू गेट मैरिड बट एट द राइट टाइम. अब वो राइट टाइम कब है, अल्लाह करे जल्दी आ जाए. आई वांट टू गेट मैरिड बट ऑब्वियसली उसके लिए आपको और आपने ये भी कह दिया अल्लाह करे जल्दी आ जाए. आमीन. अब हम क्योंकि क्रिकेट से थोड़ा ड्रिफ्ट कर गए हैं, स्विंग मारी है हमने, हम चले गए हैं शादी की तरफ. मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फिल्में और ड्रामे फ्री टाइम में, लेजर टाइम में क्या करते हैं आप, क्या पसंद करते हैं? अच्छा, जब तो अगर टूर, जब हमारे पाक, अब तो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में क्रिकेट आ गई है, लेकिन अभी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, बाहर इतना नहीं जा सकते. अगर जाना भी होता है तो आपको 2-3 घंटे पहले बताना पड़ता है और सिक्योरिटी सारा कुछ बंद हो जाता है. तो हम कोशिश करते हैं ना, जो हमारी आवाम बहुत तंग होती है फिर, तो जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे पास दो ही चीज़ें बचती हैं, क्योंकि जब हम 6 बजे आते हैं तो मोस्टली सारे शॉपिंग मॉल्स ख़त्म होते हैं. शॉपिंग का शौकीन हूँ और जो है मूवीज़ का, तो अगर मूवीज़ अगर लगी हुई हैं तो मूवीज़ देखूंगा, वरना नेटफ्लिक्स पे हमारी एक होती है कि मेरे, क्योंकि मेरा टीम के मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हूँ, काफ़ी प्रैंकस्टर भी हूँ काफ़ी, तो हम मेरे ही रूम में सारे आ जाते हैं. तो हम खाना ऑर्डर कर लेते हैं नेटफ्लिक्स पे, सारे जो हैं, नसीम शाह को बहुत शौक है कि इमाम भाई कौन सी मूवी लगी आज, तो वो हम मूवी, मैं बाबर, हम सब मिलके जो है नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हैं. किस तरह की मूवी ज्यादा आप लोग एंजॉय करते हैं? देखें, आप, मुझे थ्रिलर्स पसंद है बहुत. अच्छा, मुझे भी. हाँ, फेवरेट जॉनर नेटफ्लिक्स पे सीजन के साथ थ्रिलर, अगर सीजन हो तो उससे अच्छी कोई बात बिल्कुल नहीं. मगर जो है इतने देखे हैं तो ढूंढना पड़ता है, तो नेटफ्लिक्स पे ये होता है. कुछ हमारे प्लेयर्स हैं उनको पुरानी जो है मूवीज बहुत पसंद है. अच्छा, तो हम मूवीज देखते हैं. जैसे हमारे टेस्ट में जब मैचेस होते हैं तो अजहर अली और फवाद आलम है. अब वो जो है दोनों को पुरानी मूवीज पसंद है. अब हम बोर होते हैं लेकिन हमें उनके साथ देखनी पड़ती है. तो इस तरह के सारे हमारी कोशिश होती है कि जो सबकी चॉइस है. बाबर से बड़ी अच्छी दोस्ती है आपकी, बहुत पुरानी दोस्ती है, बेस्ट फ्रेंड है आपके. वो क्या देखते हैं, उनको क्या पसंद है ज्यादा देखते? बाबर को कुछ भी दिखा लो. अच्छा, उसे कोई वैसा मसला नहीं, उसकी कोई एक खास डिमांड नहीं होती. हाँ, अनटेनलेस कोई नई मूवी आई जिसका बहुत हाइप चल रही हो तो वो देख लेगा, वरना बस ये है कि उसको अगर वो मतलब इजी है, इजी गोइंग है कि उसको बस बिठा दो और आराम से बस जो है उसे कहो कि ये मूवी लगी है वो देख ले, तो उसको कोई इतना मसला नहीं होता. ठीक हो गया. थैंक यू इमाम, आपने इतनी जबरदस्त इनसाइट दी हमें. आज कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिविया पता चल रहा है हमारे फेवरेट क्रिकेटिंग स्टार्स के बारे में. वक्त हुआ चाहता है ख्वातीनों ज़रा एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, वी हैव विद अस इमामुल हक, उनसे गप्पों का सिलसिला जारी रहेगा. वी विल सी यू आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक इमाम. मैंने एक दो सवाल आपसे पूछने यार, लेकिन मुझे पता है कि क्रिकेटर से आप सारे सवाल खुल के इसलिए नहीं पूछ सकते क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. आप ऑफ द एयर पूछ लेगा? ऑफ द एयर पूछू, ऑन द एयर कोशिश करते हो ना, क्या पता आप जवाब देना चाहें. यस, ये मैंने सुना है कि अब जो हमारे कैप्टन है बाबर, जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये और आप और बाबर जिम साथ में करते हैं, क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है. वो आपके घर आके जिम करते हैं, ये बात सच है या नहीं? वो बिल्कुल कोविड में जब ऑब्वियसली सारी चीजें बंद थी तो हमने अपने मेरे घर के मेरे हाँ. मैंने रूफ टॉप पे जिम बनाया था तो हम करते थे. आजकल आप दोनों साथ में जिम कर रहे हैं या नहीं? कैसा फिर कैसा दिया फिर है? बताए ना फिर. हाँ, आजकल आप कर रहे हैं जिम या नहीं कर रहे? आजकल हम नहीं साथ कर रहे, उसकी वजह है क्या? क्योंकि मैं लाहौर में था नहीं था. अच्छा अच्छा. मैं फैमिली के, अभी भी जब मैं आया हूँ हाँ. तो मैं और बाबर साथ ही खाना खा रहे थे. अभी खाना खा जिस जगह से हम अभी आए हैं हाँ. तो हम दोनों साथ ही खाना. अल्हम्दुलिल्लाह. आपने सेल्फी ली होगी ना दोनों ने साथ में? नहीं, हमने नहीं ली. जिधर के खाने पे गए थे उन्होंने ली थी, वो वायरल हो ही जानी है. हमारे जितने भी जो आजकल मेरे पास जो डीएम थे, मैंने बताया नहीं था, अब मैं बताऊंगा. सब यही पूछ रहे थे कि आप दोनों की बाबर वाली पिक्चर आ नहीं रही साथ हाँ. क्या हुआ है, आप ऑफ डेज भी चल रहे हैं हाँ. तो इसलिए नहीं आ रही थी कि मैं लाहौर में नहीं था. होपफुली आ जाएगी, अब आ जाएगी तो सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैं इससे ज्यादा फर्दर में कोई ट्वीट श्वीट के बारे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सवाल ना ही करूँ तो बेहतर है? ना ही करें तो अच्छा है, और अगर किया तो मैं कहूँगा ना करें. अरे यार, आपकी खातिर में नहीं करता सवाल. और कोई सवाल बता दें फिर, खुद ही बता दें, मैं कर लेता हूँ आपसे. यार आप कुछ भी सवाल कर ले. नहीं मैं अभी नहीं. आपने कहा कि टॉक टॉक शो क्रिकेट के अलावा कर ले. क्रिकेट के बारे में तो मैं आपको हजार चीजें बताऊंगा. हमारा ब्रेड एंड बटर है हाँ. कुछ अच्छी चीजें 100 गंदी चीजें. टिप्स बताएं यार, अच्छी बैटिंग करने के लिए क्या, बैट्समैन क्या टिप, प्रैक्टिस के लिए क्या करना चाहिए जो वो लड़के देख रहे हैं घर पे? सबसे जरूरी है बैट होना जरूरी है. अच्छा, फिर तो बॉल होना भी जरूरी है मेरे ख्याल में. आप एज अ बैट्समैन पूछ रहे हैं तो बैट होना, बॉल जिसने करानी है वो ले आएगा. नहीं तो कले बैट के साथ खाली ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा जरूरी है ये. अच्छा, शैडो क्रिकेट से बड़ी बड़ी, इसीलिए तो मैं क्रिकेटर नहीं बन सका मेरे भाई. लेकिन और सीरियस नोट, देखिए मैं तो अपने आप को इतना नहीं समझता कि मैं किसी को बैटिंग टिप्स दूं, वो बाबर ही बताए तो ज्यादा अच्छा है. लेकिन ये है कि
आजकल हमारे लोगों को मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा शौक है, मुझे खुशी भी होती है, बट मेरे उनके एडवाइजेस ये है कि सही टाइम पे सही चॉइस ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोफेशंस वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जिस आजकल महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो एज अ हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हमने अपना घर भी चलाना है, अपने अपने लोगों को लुक आफ्टर करना है, अपनी फैमिली को, तो जो करे सोच समझ के करे, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी उम्मीदें सारी आपसे होती हैं, तो जरूरी नहीं है कि अगर ये क्रिकेट का शौक है तो आपको अल्लाह ने इधर ही इज्जत देनी, हो सकता है कि आप आर्टिस्ट बन जाएं, हो सकता है आप इंजीनियर बन जाएं, तो चॉइस ऑफ प्रोफेशन बहुत जरूरी है। तो ये स्पीकिंग ऑफ चॉइस ऑफ प्रोफेशन, इफ यू वर्नट अ क्रिकेटर आप क्या बनते, क्या आपका कोई था इंक्लिनेशन किसी और प्रोफेशन की तरफ? मेरी घर में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रही है काफी पढ़ाई में, ऑल्दो मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है, मुझे बहुत नफरत है पढ़ाई से, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ये है कि मेरे मुझे याद है, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। सुनाया ना। मैं छोटा था, मतलब अंडर 15 16 से था, तो मैं बिकन हाउस में पढ़ता था, तो मैं सारे ओ लेवल्स कर रहे होते थे, मैं एक वाहिद स्टूडेंट था जो सेवन्थ क्लास में था, लेकिन मैं अपनी स्कूल की मेन टीम में था। अच्छा। तो मैं बंक कर सकता था आराम से, मैं कभी भी कहीं भी जा सकता था, तो मेरे पे काफ़ी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, तो जैसे जैसे मैं समर कैंप्स के लिए चला था पाकिस्तान पीसीबी का अंडर 16 टूर्नामेंट, तो मैं दो दो महीने के लिए ऑफ ले लिया करता था, लेकिन मेरे रिजल्ट्स अच्छे आ जाया करते थे, कि कहते थे कि ये अच्छी जल्द पिक कर लेता है चीज़ों को ना, अच्छे रिजल्ट्स आ गए, तो मेरा रिजल्ट आया, तो मेरे याद है मुझे वो प्रिंसिपल का नाम, उनका नाम था सर मुदस्सिर, तो जब मेरे अम्मी अब्बू गए तो उन्होंने कहा कि आप इसे कहाँ क्रिकेट खिला रहे हैं, इसे छोड़ें, क्रिकेट में कुछ नहीं रखा, आप इसे मेरे पे छोड़ दे, मैं इसको CSS के इम्तिहान दिलवाऊंगा। अच्छा। उसके बाद मैंने उनसे माफी मांग ली, मैंने कहा मैंने इनके पास नहीं आया। हाँ। तो वो ऐसे थे कि क्रिकेट, मुझे लगता है कि अगर मैं शायद क्रिकेटर नहीं होता, कि मेरी अम्मी को बहुत था कि मैं क्रिकेट पढ़ाई में रहूं, अच्छा रहूं, तो मार भी खाई है बड़ी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं इंजीनियर वगैरह होते। यार बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स हैं, उनको एक्टिंग का भी बड़ा शौक है, कुछ हमारे क्रिकेटर्स ने एक्टिंग की भी है, कुछ हमारे क्रिकेटर्स ने वो क्रिकेट खेलते हुए भी एक्टिंग, वो खुद से किया या हो गई है ये तो वो बेहतर बता सकते हैं, कुछ से हो गई है, कुछ से कराई गई है, और कुछ एक्टिंग एज अ प्रोफेशन ना भी करें वैसे भी एक्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। तो आपने नहीं सोचा कभी कि एक्टिंग करें, कोई वो रील बना के स्लो मोशन पीछे कोई सैड सा गाना लगा हो और आप कोई एक्सप्रेशन दे रहे हो आगे? मैं देखता हूँ एक्टर जो है ना बड़ी ज्यादा लगा रहे होते हैं ना, बहुत ज्यादा इमोशन, शौक है मुझे, मगर मेरी मुझे नहीं लगता मुझे इतना कॉन्फिडेंस है इसमें। नहीं, पीसीबी ने पाबंदी लगाई हुई है, फिर आपने कहाँ देखी है मेरी कोई? आपकी नहीं, कुछ मैं दूसरे प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। देखिए टूर्स पे जब आप होते हैं ना तब पाबंदी है, अगर अभी अब मुझे हम जैसे अभी ऑफ है हमारा एक महीना, अगर अभी मैं लगाऊं तो मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मेरा भी अच्छा मौसम है, तो मैं भी अगर कहीं बारिश के नीचे खड़ा हो जाऊं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। लेकिन ये कि दिल मुझे ऐसा लगता है मेरी एक्टिंग में इतना वो कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, जो मैं लगाऊं, तो मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। ठीक है। और म्यूजिक का शौक है आपको, गाने शाने सुनते हैं आप? म्यूजिक का शौक है, बिल्कुल है। अपने फेवरेट सिंगर्स के बारे में बताएं या गाने, म्यूजिक किस तरह का म्यूजिक आप एंजॉय? मुझे आई डोंट नो व्हाई मुझे काफी पूछते हैं कि मैं ना स्लो सैड सॉन्ग्स मुझे पता नहीं क्यों अट्रैक्ट करते हैं। क्यों यार इमाम, क्या चक्कर है यार? मुझसे लोग पूछते हैं कि शायद कोई आपको पता नहीं क्या मसला हुआ है, ब्रेकअप कोई इस तरह का सवाल करते हैं, लेकिन अगर मुझे अट्रैक्ट करते हैं जब आप मतलब लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, जैसे यहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद मेरे बहुत चक्कर लगते हैं मोटरवे पे, रिंग रोड भी है, तो अब वो अच्छा लगता है, पता नहीं स्लो अकेले गाड़ी में लाहौर से इस्लामाबाद आप लॉन्ग ड्राइव करके जा रहे हैं और आप सैड गाने सुनते हुए जा रहे हैं यार, मसलन के कौन सा, कोई से भी हो उस वक्त फेवरेट कौन सा आपका गाना सैड सॉन्ग हो जाए, दोनों भाई मिलके गाएंगे? नहीं मुझे गाने तो नहीं, मुझे आसिम भाई के सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं, आसिम भाई मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, उनके गाने उनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी है, आतिफ भाई के जो है वो सॉन्ग्स इतने जबरदस्त, अभी वो अवार्ड्स में एक जो है परफॉर्मेंस आई थी उनकी आतिफ भाई की, उन्होंने अभी पता नहीं याद है 6-7 महीने पहले की बात है, तो वो उन्होंने लाइव में जो वो गाया था मुझे बस अट्रैक्ट करते हैं, अब इसकी वजह मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अच्छी सी उसकी वाइब है। मेरे ख्याल में फ्रंट सीट पे कोई बैठा होना तो शायद मूड चेंज हो, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि सैड सॉन्ग सुन लीजिए, अगर कह रहा ना अगर फ्रंट सीट पे बैठा होगा फिर शायद मैं सैड सॉन्ग ना सुनूं, ना सुने ना, यही चक्कर यही है कि हमें कोई ढूंढना है जो आपको कंपनी करे यहाँ से इस्लामाबाद, मेरे लिए बाबर ठीक है, वो बैठ जाता है, हम खुश है दोनों। अच्छा, तो जब बाबर बैठे हो फिर आप किस तरह के गाने सुनते? फिर हम गाने नहीं सुनते, फिर 100 बातें होती हैं, 100 सीरियस बातें होती हैं, 100 मजाक की बातें होती हैं, 100 किस्से होते हैं जो हो रहे होते हैं वो हमने, या 100 चीजें ऐसी सोशल मीडिया पे चल रही होती हैं, आपको पता है किसी ने उधर कह दिया किसी ने उसको, फिर हम उसको मजे ले रहे होते हैं उसके। तो अभी रिसेंटली भी आपने आपस में डिस्कस की है चीजें जो सोशल मीडिया पे चल रही, वो हमें डिस्कस करने का टाइम नहीं मिला। आपने बड़े मजे की बात की, आपका एक इंटरव्यू में सुना आपने कहा कि फखर जो है वो बात नहीं करता ज्यादा मैच खेलते हुए और बाबर चुप नहीं होता, तो ये जरा इलैबोरेट करेंगे आप, ये क्या चक्कर?
वो असल में मेरे से सवाल हुआ था बैटिंग के वक्त कि जब हम बैटिंग कर रहे हैं, वो असल में ये कि बाबर और मैं बचपन से एक साथ ही बड़े हुए हैं, 2008 से हम साथ खेल रहे हैं, उसकी और मेरी नेचर बहुत डिफरेंट है, लेकिन हम दोनों जानते बहुत हैं एक दूसरे को, अगर ना भी बोले ना तो लिटरली वो मुझे बता सकता है कि वो मैं क्या सोच रहा हूँ इस वक्त, ठीक है। तो इसलिए उसको जब मैं बैटिंग पे समटाइम्स क्या होता है, जब प्रेशर फील कर रहा होता है ना तो इंसान जरा ना मेंटली इधर उधर चला जाता है, सोच में नहीं होता, कहीं और सोचों में हो जाता है, तो वो उसे पता चल जाता है, वो फिर मेरे पास आ कहते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ है, उठ जा, क्या हो गया, छोड़ इसको, बाकी जो इस वक्त देख इधर, तो वो बहुत बोलता है, फिर वो देखता है अच्छा इधर सिंगल अवेलेबल है, इधर कर लेंगे, अच्छा अभी नहीं करना ऐसे, तो इस तरह की डिस्कशन हेल्दी चलती रहती है, क्योंकि बचपन से गए। फखर जो है उसे हम फौजी कहते हैं, वो अल्लाह की अलग ही, अल्लाह ने उसको टैलेंट दिया है, वो अपने मगन में रहता है, तो उसकी और वो भी, और मैं बहुत अरसे से खेले, हम HBL में भी 2 साल एक साथ खेले हैं, उसकी और मेरी अंडरस्टैंड कि हम दोनों बात बहुत कम करते हैं, हम बस बात ये, वो मुझे सिर्फ एक ही कहा, हाँ बस जाग जा, छह साल मतलब अगर उसको लगता है ना कि इमाम जैसे है, समटाइम्स क्या होता है जब प्रेशर, मैंने आपको बताया ना, मैं बाबर तो बहुत सारा, वो कहेगा बस जाग जा, मैं जब उसे कहता हूँ रुक जा, वो क्योंकि कभी वो कहता है जब मुझे है ना कि नहीं मारनी इमाम, नहीं मारनी, तो उधर जाके वो एकदम ऐसी शॉट मारेगा जो उसने अभी 2 सेकंड पहले कहा होगा कि ये नहीं खेलनी तो वो ऐसी हरकतें करता है, फिर हम उसे कहते हैं यार रुक जा, थोड़ा सबर कर ले, थोड़ा टाइम ले ले, तो ऐसे, वरना वो बिल्कुल चुप रहता है। शॉट्स की बात की है, अब बैक गोइंग बैक टू T20, यार हमारे प्लेयर्स में आपको लगता है कि शॉट्स की वो वाली वैरायटी थोड़ी कम है, जैसे बटलर यूं उठा के ऐसे पीछे फेंक देता है अक्सर, क्या हो गया, अब तो हमारे सारे लड़के ऐसे शॉट्स मार रहे हैं ऐसे अभी, आप देखें PSL में हुई ऐसे 360 है, साई मयूब एक हमारा नया बच्चा है, उसने कितने अच्छे शॉट्स मारे हैं, जो है मोहम्मद हारिस है उसे 360 का नाम दिया है, लेकिन ऑब्वियसली ये है कि बटलर भी एक ही है, हाँ। इस तरह और सारे नहीं है, इंडिया का भी सूर्या कुमार यादव एक ही है, देखें एक ब्रॉटअप होता है, हर बंदे की गेम इवॉल्व होती है, हमारे भी कुछ जो नए लड़के हैं वो डिफरेंट टाइप की गेम खेल रहे हैं और सीख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कमी नहीं है, हमारे नए जो नया टैलेंट है वो बहुत अच्छा है, हाँ बस उसको ये है कि उनको जरा ग्रूम होने दें, बहुत जल्दी अभी टाइम लगेगा क्योंकि मैंने आपको बताया बड़ा फर्क है PSL और इंटरनेशनल में, तो उसको आप मैच नहीं कर सकते, थोड़ा उनको एक्सपीरियंस दे, जैसे हमारी पाकिस्तानी की टीम जिम्बाब्वे गई है, इस तरह के टूर्स बाहर के और अरेंज कराएंगे तो इंटरनेशनल एक्सपोजर हो जाएगा, तो बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इमाम चलते हैं हमारी गेम की तरफ, इट्स अ फन गेम, इसका नाम डेंजर टैग है, लेकिन आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, मैं नाम ही आपने इतना परेशान नहीं होना, नहीं नहीं इन्होंने नाम रख दिया ऐसे टैग का डालने के लिए, तो बेसिकली रैपिड फायर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ऑनेस्टली, जो कि आई एम श्योर आप ऑनेस्टली जवाब देंगे और रैपिडली जवाब देंगे। रेट योर फेवरेट क्रिकेटर, वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी, इंजमामुल हक, पिक योर फेवरेट इन में से। वसीम अकरम, इंजमामुल हक, शाहिद आफरीदी, ठीक है, आपने इस तरह से रेट किया, जी जी ओके। चाचू नाराज तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, पता है वो मैंने इसलिए बोला है कि फास्ट बॉलर्स की हमेशा ज्यादा फैन फॉलोइंग और ज्यादा रहा है, और वो ऑब्वियसली जो 92 का जो स्पेल है वो एक अलग स्पेल है, वो हमारे शायद जितना मर्जी आप पुराना हो जाए वो बच्चों से चलता आ रहा है, तो सिर्फ उसी वजह से है कि उनके जो वो स्पेल की वजह से वो एक ज्यादा अलग लेवल पे चले। ठीक है, इस सवाल का मुझे शायद जवाब पता है, लेकिन मैं फिर भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा, सबसे नॉटी क्रिकेटर जो खेलने से ज्यादा शरारतें करता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि खेलने से ज्यादा शरारतें, मैं खेलता भी है और इसमें मैं ही हूँ, मैं बहुत शरारतें करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, आप थोड़ा सा हम टीवी की तरफ मूव करेंगे, क्रिकेट से थोड़ा इधर उधर करके हम जाएंगे। इनमें से आपने अपनी फेवरेट एक्ट्रेस का नाम हमें बताना है, ठीक है? मायरा खान, महविश याद, सज्जल अली। महविश याद आपकी मेरी, और अगर मैं कहूँ कि तीनों को रेट करें तो आप कैसे रेट करेंगे? रेट मैंने काफी चीजें इतनी देखी नहीं है तो मैं इसलिए रेट करना मुश्किल, ठीक है, नो प्रॉब्लम। शादी के लिए बेगम में क्या 3 qualities लाजमी होनी चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है हमारी भाभी के लिए? ये तो क्विक फायर हो ही नहीं सकता, ठीक है, आराम से टेक योर टाइम। इसमें यही हो सकता है, रिस्पेक्ट का एलिमेंट हमेशा, इक्वालिटी में मैं बहुत बिलीव करता हूँ, बहुत अच्छी बात, दोनों में होनी चाहिए इक्वालिटी, फ्रेंडली और मेरे जैसी होनी चाहिए, जरा फन लविंग, वेरी गुड, आपने फौरन जल्दी जवाब दे दिया। अच्छा, ये जो आप क्रिकेटर्स हैं सारे, इनके आपस में एक दूसरे के तो किस तरह के जोक्स होते हैं, मजाक किन बातों पे करते हैं, ये वीक पॉइंट पे एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं? वीक पॉइंट पे करते हैं अक्सर, कभी कभार पर्सनल पे भी हो जाते हैं, क्योंकि सबको एक दूसरे के किस्से भी पता है, सबकी राज भी पता है, तो अक्सर कर लेते हैं। किसी अपने क्रिकेटर दोस्त को कोई अगर आप मशवरा दें कि वो कम बोले और खेले ज्यादा तो कौन होगा? इमामुल हक। ये लेटेस्ट अभी जो हुआ है ना उसके यानी कि नहीं होना चाहिए था। अब ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए था, मगर ये था कि
इसकी एक्सप्लेनेशन मैं इसको इस तरह दे सकता हूँ कि कुछ चीजें कहने को कुछ होती हैं, पोर्ट्रे कहीं और की जाती है, लेकिन ये है कि आप इसको जितना एक्सप्लेन करोगे वो चीजें और निकल जाती हैं। इसलिए ना मैंने कभी एक्सप्लेन किया, ना मुझे बोर्ड ने कभी किसी चीज में इस चीज में मना किया, लेकिन जो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं वो नेगेटिव में चला जाता है। बट अगले दो मैचेस नहीं खेले ना आपने, वो भी एक चीज है, वो भी वो नहीं बताएंगे क्यों, वो तो रेस्ट पे था मैं, उसका इससे कोई ये मैं बता सकता हूँ, ये बता जो जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद हाँ। उसकी वजह से मैं दो मैच, ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपने आज ये डिनाई कर दिया, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो अगर होता तो शायद बोल रहे, लेकिन वो क्योंकि ऑब्वियसली रोटेशन पॉलिसी चल रही थी हाँ। और वर्ल्ड कप का साल था, ऑब्वियसली हमारे कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो नहीं खेल रहे थे, वो उनको टेस्ट करना जरूर चाह रहे थे, तो सिर्फ इसी वजह से था के जो था, I think वो आपने ट्वीट भी कर दी ना बीच में, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज, वो ज्यादा हो गया ट्वीट, हाँ वो कंफ्यूज ज्यादा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, बट थैंक यू आपने आपने इसको क्लेरिफाई कर दिया। अच्छा, इनमें से किन के रिव्यूज आपको ज्यादा पसंद है, मैच पोस्ट मैच जो रिव्यू होते हैं, ठीक है मैं नाम लूंगा, जो पसंद है या जो नहीं पसंद, दोनों जो आपको पसंद है, जो पसंद है, अगर नहीं पसंद तो भी आप बता, नहीं मैं पसंद के बताऊंगा, शुएब अख्तर, रमीज राजा, ये शाहिद आफरीदी, रमीज भाई, उनके पसंद है आपको ज्यादा, यानी कि शोएब भाई और शाहिद भाई के पसंद नहीं है, ये तो मैंने कहा ही नहीं, ठीक है रमीज भाई के ज्यादा पसंद है, ठीक है। अगर आपको फिल्म में काम करने का मौका मिले तो किस एक्ट्रेस के साथ आप काम करना चाहेंगे, किंजा हाशमी, सना जावेद, कुबरा खान या सजल अली? कुबरा खान, कुबरा खान, इसकी वो खास वजह नहीं है, ठीक है ओके नो प्रॉब्लम। क्रिकेट में किसको मशवरा देंगे कि वो फिटनेस की तरफ थोड़ी तवज्जो दे? हैरी भाई, हाँ हारिस वेल, ठीक है। किस क्रिकेटर को आप थोड़ा सेल्फिश समझते हैं? ऐ होता ना दोस्तों में यार खाना खाने चले गए, उन्होंने कहा यार मेरे पास वो बटवा घर में रह गया यार, मैं तो नहीं मिल दे रहा। अच्छा अब सच बताऊं ना, सीरियस नोट, इस टीम में हमेशा देने वाले हैं। अच्छा, मतलब ये ट्रेंड हमने भी सुना था कि क्रिकेटर्स में ये था कि जरा कंजूस होते हैं, खाने पे जाओ तो अब ऐसा होता है कि लड़ाइयां होती हैं लिटरली। अब ऐसा है कि मतलब अब ऐसा होता है कि वो कहता है मैंने देना है, वो कहता है मैंने देना है, क्या वजह, कॉन्ट्रैक्ट्स बेहतर हो गए हैं क्या? ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा, इंडोर्समेंट ज्यादा आ गई है, कॉन्ट्रैक्ट्स भी बढ़ गए हैं और थोड़ा सा ऑब्वियसली माहौल और जो है एनवायरनमेंट है चेंज हो गया, ठीक है। उस वक्त का जो जमाना था ऑब्वियसली वो बिल्कुल डिफरेंट था, आपको था कि यार बचना है, बचाना है, फैमिली को चलना है, अभी भी है ऐसा, लेकिन ये है कि अब जरा जो है वो चेंज हो गया है, तो इस वजह से वो चीजें डिफरेंट हो गई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच इमाम, मैं दोबारा आपका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहूंगा, इट्स सो रिफ्रेशिंग, एक क्रिकेटर इज सो कैंडिड, इज सो वेल स्पोकन, बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके, मेरा क्रिकेटर्स के साथ क्योंकि इंटरेक्शन कम होता है, आई एम रियली एंजॉयिंग दिस कॉन्वर्सेशन, आई एम श्योर आप लोग भी इस कॉन्वर्सेशन को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव गॉट इमामुल हक विद अस, ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर, आई होप यू विल ऑल्सो नॉट गो एनीवेयर, वी विल सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक इमाम, मैं दोबारा आपसे कहूंगा कि मैंने एक दो सवाल और पूछने हैं, अगर आप यूं करके गुजरना चाहें उनसे तो मुझे बता दीजिएगा। एक तो पता नहीं आपको परमिशन है इस बारे में बात करने की या नहीं, सो यू कैन टोटली चूज नॉट टू आंसर इट। ये जो वर्ल्ड कप वाला मामला हो रहा है कि हम इंडिया जाएंगे नहीं जाएंगे, एशिया कप वाला एक मामला है कि इंडिया खेलेगा नहीं खेलेगा, कैन यू गिव अस सम क्लैरिटी ऑन दैट? सर मुझे खुद क्लैरिटी नहीं है, मैं आपको क्या लेकिन देखें, वेरी स्पेशल प्लेइंग इन इंडिया, वो भी वर्ल्ड कप, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हम जाएं, तो आपको पता है अवाम की दुआओं के बगैर हमारी टीम कुछ भी नहीं है, जहां भी हो जैसे भी हो ये हमारा कंसर्न एज अ प्लेयर तो नहीं है, बट ये है कि अवाम की दुआओं से हर कोई चाहता है कि बड़ा वर्ल्ड कप है, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हम जाएं तो हमारे लिए दुआ करें, सपोर्ट करें, हमारी भी पूरी कोशिश है कि हम जान लगा देंगे जीतने की। एंड इस तरह की कोई कॉन्वर्सेशन कि यार एशिया कप अगर हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं तो वर्ल्ड कप हम इंडिया खेलने क्यों जाएं, ये होती है बात? सर ये देखें, ये हमारा असल में इसमें कोई हमारा लेना देना है नहीं, क्योंकि हमारा काम अब देखें ये बोर्ड की चीज़ें, कुछ चीज़ें बोर्ड की हैं, वो बेहतर वो ही जानते हैं कि उनको कैसे डील करना है। हम तो ऑब्वियसली हम तो क्रिकेटर्स हैं, हमें आप कहोगे कि जो है इधर एक ग्राउंड अलीगढ़ उसमें खिला दो, हम उसमें भी खेल लेंगे, क्योंकि हमें तो क्रिकेट खेलनी है, बिल्कुल। तो हमारा तो काम है क्रिकेट खेलना, पाकिस्तान में खेलें, इंडिया में खेलें, बांग्लादेश में खेलें, बट ये है कि क्रिकेट होनी चाहिए और जो है आवाम देखना चाहती है, प्लेयर्स खेलना चाहते हैं, और काफ़ी जो है ऐसी गेम बन गई है कि इसको ये आप रुक नहीं सकते। पाकिस्तान इंडिया का जो जब मैच है वो पूरी दुनिया में एक फेस्टिवल के तौर पे भी देखा जाता है और इसको लोग बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा, व्हाट आर सम ऑफ योर फेवरेट वेन्यूज टू प्ले एट इन द वर्ल्ड? पहले इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में फेवरेट वेन्यू कौन? पाकिस्तान में तो लाहौर है, ऑब्वियसली लाहौर है, पैदा यार हम कराची में रहते हैं, तो आपने क्यों ऐसी कराची की आवाम जो है बेचारी ट्रैफिक में फंस जाती है, कम आती है यार, उनका कसूर नहीं है, सड़कें सारी टूटी हुई, क्या करें बेचारे।
बिल्कुल, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ बिचारी, मैंने इसीलिए स्टार्ट में बोला है कि ट्रैफिक इतनी ज्यादा है, आते आते आधा मैच गुजर जाता है, फिर वो कहते हैं यार अब क्या करें, घर ही जाकर देखें क्योंकि वापस जाने में 3 घंटे लगते हैं। शारे फैसल ब्लॉक हो जाए तो आपको पता है 2-2.5 घंटे वहां पे गए, तो इसलिए मेरा वेन्यू तो वैसे लाहौर है क्योंकि बेशक मुल्तान में पैदा हुआ लेकिन लाहौर में सारा बचपन भी और जैसे जैसे बड़ा हुआ हूँ तो लाहौर है। इंटरनेशनली इंग्लैंड में खेलने का बहुत मजा आता है, स्पेशली लॉर्ड्स में, उधर मैंने सेंचुरी भी की हुई है लेकिन इसलिए भी स्पेशल लगता है। फिर यह है कि मैंने अपना, क्योंकि माई फादर यूज टू वर्क इन यूके शुरू, हाँ जी, तो उस मैंने काफ़ी टाइम गुजारा हुआ है यूके में, तो मुझे वो एक होम वाली फीलिंग आती है कि जब आप काफ़ी दूर भी गए हो लेकिन फिर भी घर जैसा माहौल लगता है, तो इसलिए मुझे इंग्लैंड का वेन्यू अच्छा लगता है। सो व्हाट्स योर फेवरेट स्पॉट इन लंदन टू चिल, ताकि अगली बार लोग आप लंदन जा रहे हो पर वो पहुंच जाए वहाँ पे यार। अब मेरा जो है, मैंने बचपन में, मैं अपने चाचू मेरे वहाँ रहते थे जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, वो ब्रेंटवुड में रहते थे। अच्छा। उनकी ड्राई क्लीन की शॉप थी नीचे और ऊपर अपार्टमेंट था। अच्छा, अच्छा। तो मैंने अपना बचपन वहाँ पे ब्रेंटवुड, ब्रैडफोर्ड अलग है, ब्रेंटवुड अलग, तो ब्रेंटवुड में मैंने बड़ी जो है अपना बचपन गुजारा, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा काम और अच्छी जगह है, तो मुझे उधर मजा आता है। ठीक है, और वैसे जब आप लोग इंटरनेशनली ट्रेवल कर रहे होते हैं तो शॉपिंग के अलावा और भी होता है शौक यार, कि एक्सप्लोर करना है, सिटी को एक्सप्लोर करना है, लोगों को मिलना है, जब मैं शुरू लड़कों को मिलना है, ऐसा होता नहीं होता जब शुरू शुरू में टीम में आए थे ना 2017 में, तब ऑब्वियसली जब नया नया पहली दफा मैं न्यूजीलैंड गया था, आई वाज वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैंने सुना था न्यूजीलैंड जो है, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी अच्छी खूबसूरत जगह, क्वींसटाउन एक जगह है, जगह की बात करें जी जी, मैं जगह की फिलहाल बात कर रहा हूं, क्वींसटाउन की बात नहीं कर रहे, नहीं नहीं लोगों की, वो पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यार ठीक है, फिर जाहिर ही खूबसूरती भी हो सकती है कि दुनिया में कहीं और मिल जाए। क्वींसटाउन एक जगह है मुझे न्यूजीलैंड में, वो बहुत खूबसूरत लगती है, वो सीनिक बहुत बहुत अच्छी जगह है, और ऐसा लगता है समटाइम्स कि आप सीनरी देख रहे हो लेकिन वाकई रियल में है। हाँ। तो वो मुझे जो है, मैं जब शुरू में जब आया था टीम में तो ये एक्सप्लोर का बहुत शौक था, यहाँ जाए वहाँ जाए। हाँ। अब तो बिल्कुल भी शौक नहीं था, अब निकलते ही नहीं है, अब हाँ। बिल्कुल ही चेंज हो गया। अच्छा, हमारे जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, हम उनकी भी कहानियां सुनते रहते हैं यार, उनको पार्टिंग का भी बड़ा शौक होता था, दे यूज्ड टू गो क्लबिंग एंड ऑल ऑफ दैट, ओपनली पब्लिक बातें हुई हैं। तो ये जो न्यूर जनरेशन है, ये इसको शौक है या ये सारे होटल में ही रहते हैं ज्यादातर? अगर शौक हो भी तो जाने नहीं देते, हर दूसरे मिनट बाद तो कोई सेल्फी आ जाती है तो वो वायरल हो जाती है। अब आपको पता है सोशल मीडिया, ये बड़ा मुश्किल हो गया आप लोगों के लिए, अब ये मुश्किल है। अगर किसी को शौक है भी तो मेरे ख्याल से मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई, आपको है शौक? मुझे सच बताऊं तो मुझे पार्टीज का कभी शौक नहीं रहा। अच्छा, मुझे जब मैं प्रेशर फील करता हूं तो मुझे अच्छा लगता है कि ऊंचे गाने सुनूं ताकि मेरा जो है ना प्रेशर थोड़ा सा जो है, ये वो तो क्लब में ज्यादा जरा ऊंचे गाने बजते हैं। हाँ, इसीलिए शायद होगा। मैं गया नहीं, मैंने सुना है मैंने अक्सर सुना है कि ये लोग क्लब में जाते हैं, आप सिनेमा में भी जाए तब भी ऊंची आवाज आती है, आप लोग मेरे ख्याल में मूवी देखने चले जाते हैं, आप मूवी देखें, क्योंकि आप एक तो यह है कि अब बिल्कुल चेंज हो गई है, जो वो वाली क्रिकेट थी और इस वाली क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क क्या वजह है? आप देखें, बहुत सारे कुछ इंसिडेंट्स भी हुए हैं, बहुत ज्यादा अब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप ऐसे बाहर कहीं भी नहीं निकल सकते। अगर आप जाते हो तो आपके साथ गार्ड्स जाते ही जाते हैं, जी जी जी, जहां भी जाएं, और इवन व्हेन यू गो शॉपिंग, जी जी जी, मॉल में आपको बता के जाना है कि आप यहां जा रहे हो, तो वो देखते हैं सिक्योरिटी क्लियरेंस, उन्होंने वो फोन पे लोकेशन भी नहीं ऐड की हुई होती कि यार किधर फिर रहे हैं, लोकेशन पे जो हमारे साथ सिक्योरिटी ऑफिसर जाते हैं, आपको उनको बता के मैसेज करना पड़ता है कि हम सर यहां जा रहे हैं और इस जगह, इस मॉल जा रहे हैं, इस रोड पे जा रहे हैं, तो हमारे साथ माइंड ना कर जाए पीसीबी वाले, मुझे लग रहा है चिपें डाल देनी उन्होंने अब आप लोगों में, कोई पता नहीं आगे वाले 2030 में आए तो शायद डाल दे, चिप लगी हुई है कि कौन किधर जा रहा है, लेकिन हमारी सेफ्टी के लिए है, तो ये चीजें होती है। तो अब इतनी सारी सिक्योरिटी की वजह से अब जो है इतना ज्यादा आप, हम इतना कोई बाहर फिरते नहीं, अगर बाहर फिरते भी तो हाँ शॉपिंग का लड़कों को शौक है, क्योंकि कोविड में जितनी पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है शायद किसी ने भी नहीं खेली, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द बॉयज, और जो पीसीबी किया है कि हम एक एक डेढ़ महीना इतने से रूम्स में भी रहे हैं, इंग्लैंड में रहे, साउथ अफ्रीका में रहे, तो पीसीबी ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह हमें जिस जगह पे हम रहे वहां पे इतनी सारी गेम्स और एंटरटेनमेंट रखे कि हम जो है इतना ज्यादा बोर ना हो, क्योंकि एक कमरे में रहना 40 दिन बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीजें हमने खेली कि हमें फिर जो है इतना अंदर रहे कि हमारे बस यही है कि अब हमें इतना हो गया कि यार हम शॉपिंग के लिए चले जाए, बस यही बहुत है, ऐसे ही है। मुझे एक बात बताएं, ऑफ कोर्स एक और चीज जो क्रिकेटर्स के साथ हैंड इन हैंड जाती है वो उनके स्कैंडल्स हैं, और नॉट नेसेसरली पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, और ऑफ कोर्स जब इतनी स्टार पावर हो, इतना मतलब फैन फॉलोइंग हो, तो स्कैंडल निकल ही आते हैं फिर, तो इस तरह की कोई चीज होती तो फिर क्या होता है? मेरे ख्याल से मैं इसकी अगेंस्ट हूँ। किसके? स्कैंडल्स के। ओह आप हैं तो अगेंस्ट, लेकिन जब कोई निकला है फिर क्या होता है? देखें, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको क्लियर करनी पड़ती हैं। अच्छा, अब एक चीज मेरे साथ भी हुई थी, जब मैं 2018-19 में आया,
उसके लिए मुझे आज तक मैंने कभी क्लियर नहीं किया, क्योंकि मैं क्लियर बहुत ज्यादा करना चाहता था लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि बिल्कुल जो दिखाया गया वो था नहीं। Do you want to clear it today? नहीं, मैं चाहता नहीं कि अब इतना जरूरी है, क्योंकि बहुत पुरानी हो गई। हाँ। अगर शायद ये रिसेंट होती तो मैं शायद क्लियर भी करता, क्योंकि आई एम वेरी ओपन और मैं बहुत सारी चीजें, कभी कभार मुझे गुस्सा भी होता है, मगर जिन जिन के आजकल बहुत ये कॉमन हो गया है, मैंने देखा है, तो मेरे पे गुजरी है, तो शायद मैं इसका बेहतर इसको फील कर सकता हूँ कि बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा में जा सकते हो। हाँ। शायद मैं इतना कभी क्रिकेट में नहीं गया जितना मैं उस डेढ़ महीने में गया हूँ, क्योंकि जब आपके साथ पता चल रहा हो ना आपको कि ये आपके साथ ज्यादती हुई है, तो आपको फिर डर लगता है, फिर आपको बुरा लगता है कि यार ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो शायद आप बहुत कुछ कहना चाहते हो लेकिन एज अ पब्लिक सेलिब्रिटी आप नहीं कह सकते, क्योंकि शायद आपको लगता है कि आप बोलोगे तो और चीजें हाईलाइट होंगी, तो फिर हम जिस जगह पे हैं उसकी वजह से भी हमें काफी ख्याल करना पड़ता है। तो मेरे मैं इस चीज के हूँ कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, पर्सनल लाइफ शुड बी पर्सनल लाइफ। अच्छा, ये मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात की, क्योंकि हम जब देखते हैं हमारे जो एक्टर्स हैं, वो वाले जो सेलिब्रिटीज हैं, सारे सेलिब्रिटीज ही हैं, वो लोग बड़े वोकल होते हैं इन मामलों में, वो बोल जाते हैं चीजें, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, तो क्या ये वजह है कि ये बोर्ड की तरफ से ऐसी होती है कि यार आपने ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आना, या वैसे क्रिकेटर्स जो हैं वो थोड़े रिजर्व्ड होते हैं, वो चाहते हैं कि यार एक बार, क्योंकि क्रिकेटर से जुड़ी बात थोड़ा ज्यादा बड़ी एक इशू भी बन जाता है। देखें, क्रिकेटर्स के जो होते हैं काफी लोगों के रोल मॉडल भी होते हैं। बिल्कुल, आप हमारी क्रिकेट और एक्टर्स की लाइफ बहुत डिफरेंट है, हमारे क्रिकेटर्स को लोग काफी फॉलो करते हैं, और जब वो इस चीज में आ जाए तो वो एक अच्छी चीज नहीं समझी जाती, इस वजह से मैं इस चीज के अगेंस्ट हूँ। फिर क्या होता है कि आपके जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते ना, तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। You're wearing the flag on your chest. जी जी, तो परफॉर्मेंस अच्छी होना बुरी होना दैट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, मगर इस चीज के मैं इसलिए अगेंस्ट हूँ कि अगर आपने कोई चीज नहीं की और वो अगर आ रही है और आप उसको क्लियर भी नहीं कर पा रहे, ठीक है, किसी वजह से, तो आपको बहुत ज्यादा अंदर से फ्रस्ट्रेशन फील होती है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि काफी चीजें आजकल सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपको पता है क्लेरिफाई करने का तो आपको टाइम मिलता ही नहीं है, क्योंकि एक सर्टेन कम्युनिटी आके वो आपको इतना जज करती है, इतना जज करती है, वो फिर चीजें कहीं और निकल जाती है। तो लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि ये चीजें जरा थोड़ी सी क्रिकेटर्स के लिए नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और आई थिंक दूसरा, आई एम लविंग हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद यू, आई होप के और हमारे जो क्रिकेटिंग स्टार्स है वो भी आए, तो वो भी एक एक्सचेंज होना चाहिए। आई थिंक मोर क्रिकेटर्स शुड बी, बिल्कुल मेरे ख्याल से होना चाहिए, इंसान को कोई बुरी बात नहीं है अगर आपको इंसान की रियल लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जो नहीं होने चाहिए और जिसमें क्लैरिटी अभी ना हो, क्योंकि आज तक मैंने ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसको कभी भी क्लियर नहीं किया, क्योंकि शायद मुझे ही सबने आज तक शायद समझा हो गिल्टी, लेकिन मैंने इतना मैटर नहीं किया, क्योंकि जिन लोगों को मुझे बताना था उनको मैंने बता दिया था, क्योंकि स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट थी। तो अब बता ही दें फिर, अब इतना आपने कर दिया तो यार मेरे ख्याल में कर ही दें फिर, इतनी क्या स्टोरी बता ही दें, आप तो बहुत पुरानी बात बता दें फिर भी यार स्टोरी। अब देखें कुछ चीजें लाइफ में होनी होती हैं, इसीलिए मैं उसको इतना ज्यादा हाइड नहीं कर सकता, क्योंकि अब इस बात पे मेरे ख्याल से बात करना मेरे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नो प्रॉब्लम, चले फिर हम मूव करते हैं हमारी एक गेम की तरफ। इस गेम का नाम है व्हाट्स ऑन माय हेड। सो आपके पास कुछ कार्ड्स हैं, कुछ मेरे पास कार्ड्स हैं, आपका ये समझ लें कि एक्टिंग का ऑडिशन है। मैं अपना ये सर पे कार्ड रखूंगा, इस पे कुछ लिखा हुआ होगा, आपने मुझे बोले बगैर सिर्फ माइम करके बताना है कि ये क्या चीज है, ठीक है? आर यू रेडी? आई होप सो। ओके चलें जी। टूथब्रश, टूथपेस्ट, टीथ, मिसवाक, मंजन। ओके चलें, मैं आपको गैस कराता हूं, देखना नहीं आपने। गन्ना है ना, अच्छा गैस कराया मैंने आपको। ओके ये मुश्किल लग रहा है मुझे थोड़ा, बहुत मुश्किल है ये है? हाँ। तो फिर तो आप अगर ये गैस करा दिए तो आप जीत जाएंगे फिर। घास, ग्रास, मिट्टी, जमीन, वर्ल्ड, सॉइल, मड, हौसला करो सारा कुछ ही बता दे। ग्रीन, घास, घास से रिलेटेड है कुछ? हाँ घास से है, घास से रिलेटेड। फसल, खेत, खेत, यही लग रहा था मुझे, बस थोड़ा बहुत जो मुझे लग रहा था। ओके लैंप, शीशा, मिरर। यार आपके आसान है यार, चेंज कर लेते हैं, आप कहते हैं ये ले, आप ठीक है, ये ले चेंज कर लिए यार आपकी खातिर, चलें आपने, मैंने करा, आपने करना है। ओके ओ तेरी खैर। खाना है, अभी खाना है, भूख लग रही है, आज ही खाना है,
हैं? देख अभी हम कहाँ हैं सेट पे, फिर खाना रोटी। घोड़ा घोड़ी गाय खोता खोता हाँ। गधा गाड़ी खोता खोता खोता। मैं खाना की खवा रही थी, मैं लाहौर का खाना खा रहा। यार कमाल हो गया। बल्ब देखिए, मैंने यार उंगली के इशारे से आपको गैस करा दिया। इतना आसान है अब ये, मैं मुझे कहाँ खोता ये गाड़ी, ये आपके पास खोता गाड़ी खेत मुझे ये दे दिया है। आपको बल्ब शीशा मोटा चबी फैट रेसलर की मतलब है हमें, हमें मतलब आगे चलो, इसके अलावा और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ और भी दे ना, बल्कि ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है इसका, कोई जानवर का नाम है नहीं, फिर जो कश्तियों में लड़ते हैं किसमें करते हैं किसमें करते हैं लड़ते हैं जो कुछ दंगल, हाँ उसमें रेसलिंग, दंगल रेसलिंग पहलवान। हाँ यार आप खाली ऐसे कर देते तो मैं समझ जाता पहलवान। मैं वो अपने दोस्त को बुलाने लगा था मोटा, मैं कैसे समझ जाओ। अल्लाह करे मुश्किल हो, बहुत मुश्किल। ओके हाथी क्या सूंड। ओह गुड गुड यार, ये मानते हैं फिर आप नहीं मानते भाई को, मैंने कहा हंस कौन रहा था पीछे भाई, ये देखो ये टैलेंट है, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा कह रहे कोई स्लाइड जा रही है ऊपर, लेकिन आपने हाथी को कैसे गैस किया, इतना बड़ा तो हाथी होता है। मुझे लग रहा था कि सूंड ही है, सूंड ही है। हाँ। ओ नहीं नहीं सॉरी, आपका है आपका, कोई बात नहीं, मैं कैसे दोबारा। नहा रहे हैं हेड एंड शोल्डर। नहीं ये देखो, ये मैंने खुंडी से उतारा है और ये मैं अपने आप को कर रहा हूं। धोती नहाने के बाद टॉवल, टॉवल या टॉवल का आप नहा भी लिए। हाँ तो मैं और कैसे आपको टॉवल बताता, आप अगर यूं भी कहते ना शायद मैं समझ जाता। तो फिर आपने हेड एंड शोल्डर कह देना था वापस, मैंने कह दिया। उन्हें एंडोर्समेंट तो है नहीं साडे को, क्या पता आपकी वजह से हमें मिल ही जाए। चलो लास्ट वन, ये क्या है भाई, ये है कुछ चीज, ये तो बड़ा मुश्किल है। अरे वो करें आप, ये आपका एक्टिंग का वो है, ट्राई तो करें। आप क्रिकेटर हैं, आप एक लड़के हैं, बड़ी मेहरबानी बताने के लिए। और क्या कहा कहूं मैं, मुल्तान सोन हलवा, मुल्तानी मिट्टी, मिट्टी मुल्तानी मिट्टी, स्किन केयर क्या है, चीक मुल्तानी चीक, गोरा है काला है क्या, आप क्या गया? मुल्तान, मुल्तान से रिलेटेड कुछ चीज है, हलवा, हलवा तो है, हलवा है, हबशी हलवा, हबशी हलवा। ये आपको कैसे पता, ये तो मैंने अभी एक्टिंग की नहीं है, ये इन्होंने पहले देखा है। अल्लाह की कसम इनके नंबर काटो, आपने कहा इनकी इनकी गलत एक्टिंग के नंबर काट लो। नहीं मैंने, मैं कहता हूं मैंने अभी मैंने हबशी का कोई नाम ही नहीं लिया। आपने कहा गोरा या काला है, आपने बोला या नहीं बोला, आपकी एक्टिंग से यहां से आपने बोला गोरा या काला, यार क्या बात कर रहे हैं आप। चले कोई नहीं, एक और गेम खेलते हैं, ये और ज्यादा मजे की गेम है। ये हेडफोन आपने लगाने हैं, इनमें हम म्यूजिक चला देंगे तेज सा, और मैं कुछ लाइंस बोलूंगा, आपने वो लिप रीड करना मेरा और बताना कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, कैन यू हियर मी, यू कांट हियर मी, ओके। नो बॉल, नो बॉल, न्यू मोर, नो बॉल, नो मोर, नो बॉल, बॉल, नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल, यस बॉल, यस बॉल, नो बॉल, यस बॉल, यस बॉल,
दो बॉल अबे ये क्या है? एक बॉल नो बॉल यस बॉल दो बॉल एक बॉल नो बॉल यस बॉल दो बॉल एक बॉल वेल डन नवा है सोनिया जी नवा है सोनिया नवा हलवा नवा आए सोनिया मुंडा तू है पंजाबी सोना मुंडा तू है पंजाबी सोना मुंडा तू है पंजाबी सोना उठाओ और ये गाना तो चेंज कर दो यार क्या लगा हुआ है मछली पुलाव खिलाने यार कौन सा गाना लगा बजाओ तो सही यार कौन सा गाना लगा हुआ कोई भी लगा दो ये हटा दो कौन सा लगा हुआ ओ मछली बजाओ जरा बजाओ कौन सा लगा हुआ गाना इतना फनी है यार है ना थोड़ा सा नहीं यार क्या हो गया और नहीं यार थोड़ा सा डांस करेंगे ये तो बड़ा मजे का गाना है यार गाना फनी है ना उसमें बंदा चला जाता है पहन लूं हाँ ठीक है बज रहा म्यूजिक उठाओ ढक्कन रेडी है मक्खन उठाओ ढक्कन रेडी है मक्खन और डकार मार रेडी है मक्खन मार मक्खन मार मक्खन माल मक्खन पान मक्खन ये क्या है मक्खन पान मक्खन पान थोड़ी कह रहा हूं मैं अगर मैं पान कह रहा था तो मैं कह रहा था पान मैं हाँ। पान नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं मक्खन उठाओ ढक्कन उठाओ खाना ढक्कन उठाओ ढक्कन उठाओ डंडा ढक्कन उठाओ ढक्कन रेडी है मक्खन यार उठाओ ढक्कन रेडी है मक्खन ये रेडी बहुत मुश्किल रेडी मैंने आपको की ना रेडी मैंने कहा शायद आप अपना सूट की एंडोर्समेंट कर रहे हो रेडी है मक्खन चलो हर क्रिकेटर बोलो तो सही हर क्रिकेटर म्यूजिक चल रहा है आ रहा है गाना आ रहा है हर क्रिकेटर की एक फैन जरूर होती है एक बार सोच लो हर क्रिकेटर की एक ये क्या है कंचा हर क्रिकेटर दोबारा करें हाँ हर क्रिकेटर हर बहुत अच्छा हर क्रिकेटर आगे निकल क्रिकेटर यार आप बॉल छोड़ो मुंह से बोलो ना यार लिप सिंक तो करो क्रिकेटर खेल क्रिकेटर मेरे साथ क्रिकेटर खेली यार क्रिकेटर व्हाट आर यू क्रिकेटर आप इशारे कर रहे हो तो मैं कह रहा हूँ क्रिकेट आप इशारे नहीं करो आप लिपसिंग करो तो ना मैं कह रहा हूँ क्रिकेटर अब आपने ना ये आपने आपका कोई भी हो आप यूं करते रहते हो अच्छा मैं यूं नहीं करता मैं इसको हाथ पैर से पीछे करता ये था हर क्रिकेटर की एक फैन जरूरी होती है ये तो आपने अगले 10 साल नहीं था गैस करना आपने ऐसे जो लिख दिया पूरा हाँ चलो अगली अच्छा जी चाचा चाचा हाँ
देखो आ गया ना मुझे फौरन। अच्छा चलो चूंच चूंच ये क्या नहीं नहीं भाई ये फैमिली शो है चाचा चोंच की लॉटरी हो गई चाचा चोंच की लॉटरी। ओके ओके ठीक है यू वर क्लोज। ओह यार ये किसने बनाए हैं ये उन्होंने बस मैं ऐसे इशारा कर देता हूं नजर तो कोई आ नहीं रहा होता। 12 बंदे खड़े हैं क्या कहते हैं उन्होंने बनाए हैं। चलो चांदी की कटोर दोबारा चांदी की कटोर चांदी की कटोर इसको और इसको आधा लगाओ। हाँ यार फंस गया ना चांदी की कटोर कटोर लड्डू कटोर चांदी लड्डू चांदी की कटोर लड्डू मैं कह रहा हूँ कटोर गोल कटोर अंगूर चांदी की कटोर चांदी खोल आप ही बता दो हंसी जा रहे हो बता दो चांदी की कटोर कटोर ये कटोरी थोड़ी है क्या ये गुच्छा है ये गुच्छा है यार ये कटोरी है छोटी सी इतनी कटोरी मैंने अपने घर में कभी नहीं देखी मुल्तान में बड़ी कटोरियां होती चांदी की कटोर मेरी दुल्हन गोरी ये था दुल्हन तक तो पहुंच इसीलिए तो मतलब है कि फ्रंट सीट खाली जा रही है इस्लामाबाद। नॉर्मल एक वर्ड बता दो ना ये पूरे आखिरी ऐसी बता दो लकड़ी की गाठी चाचा जी की लाठी वेल डन यार वेल डन यार मैं से एक बात बताऊं पहले जो चार थे ना वो आपने यूं गैस किए मैं जरा प्राउड फील करने लग गया था ऐसा होता है बंदा जज्बात में आ जाता है थोड़ा सा अच्छी इनिंग्स के बाद। ख्वातीन हज़रात इमाम यही है मुझे उम्मीद है कि आप हमारे शो को बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे। विल सी यू आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक। ये गेम अगर आप हारे जी तो आपको एक डेयर करनी पड़ेगी इसलिए आपका जीतना लाजमी है। यू हैव 60 seconds और उन 60 seconds में आपने इस इंची टेप का इस्तेमाल करते हुए इंची टेप से आपने बॉल वहां से फ्लो करके इधर इस ग्लास में डाला डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट ठीक है। यू ओनली गॉट 60 seconds। ये इंची टेप आपकी हुई ये बॉल भी आपका हुआ और ये ग्लास भी आपके हुए। 3, 2, 1 योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके एंगल किया उन्होंने और ओ और ये बॉल यार आपके 60 सेकंड जो है ना वो ये तो आपने 10 सेकंड में डेयर अचीव कर ली। वेल डन थैंक यू। आप ऐसे कोई सवाल कर ले अगले क्या कर लूं मैं अब सवाल तो बाकी मैं हक्का बक्का रह गया। यार इसकी आपकी प्रैक्टिस बढ़िया यार माशाल्लाह क्योंकि आपने ये बड़ी जल्दी ये खेल ली है गेम आप जीत गए हैं वाकई में आप एक बड़े जबरदस्त क्रिकेटर हैं। अब जो भी क्रिकेटर आएगा ना उनके साथ यही गेम खेलेंगे हमने एस्टैब्लिश कर लिए लेकिन आप जीत गए तो अब एक और मजे की गेम खेलते हैं ठीक है। कैच करते हुए मैं आपसे एक दो सवाल करता हूँ तो हम दोनों एक दो सवाल आप जवाब देंगे। ये ले पकड़े बिरयानी में आलू पसंद है या आलू के बगैर बिरयानी होती नहीं है मेरे ख्याल। ठीक है चरगा पसंद है या टिक्का। चरगा। चाट पसंद है दही भले। चाट। आपको गाना फेवरेट कौन सा आपका ये देखे ना आपने कंफ्यूज कर दिया मुझे ये यार क्या हुआ दोबारा। अच्छा। आप यार क्रिकेटर हैं प्रोफेशनल यार मैं आपको बॉल मैं बॉल पे नजर रखूं ना। हाँ ठीक है अपना फेवरेट गाने के दो बोल सुनाएं। गाने का बोल तो नहीं आ सकता आजकल हाँ। वो एक बेदर्दिया गाना चल रहा है। अच्छा वो आपका फेवरेट गाना है। फेवरेट नहीं आजकल चल रहा है तो बस चल रहा है। फेवरेट मूवी कौन सी आपकी। मिशन इम्पॉसिबल। कौन सी वाली। गूस्ट प्रोटोकॉल।
ओके, फेवरेट एक्टर कौन है आपका? पाकिस्तानी. पाकिस्तानी फेवरेट एक्टर पाकिस्तानी, पता नहीं. फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आपकी? मैं विशाल. फेवरेट इंडियन एक्ट्रेस कौन सी आपकी? फेवरेट प्रीति जिंटा. हनीमून पे किस जगह जाना पसंद करेंगे? ग्रीस. ओके, कभी ग्रीस गए हैं आप? नहीं, इसलिए तो जाना चाहूंगा. कभी आप दोस्तों के साथ वेकेशन पे गए हैं? जी बिल्कुल. कहाँ पे जाना पसंद करते हैं? जहाँ पे कोई मुझे पहचान ना सके. ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे लोग आपको नहीं पहचानते? मैं अभी गया हूँ पेरिस, वहाँ पे बहुत से कम लोग थे. पेरिस जब आप गए, आप आईफिल टावर की टॉप पे गए या नहीं गए? नहीं गए, बहुत रास्ता में वापस आ गया था. ठीक है, आज तक कभी आप आईफिल टावर की टॉप पे गए या नहीं गए? नहीं. क्या आप जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे? जी जाना चाहूंगा. थैंक यू वेरी मच. आपने ये सवालों के जवाब बहुत जबरदस्त तरीके के साथ दिए, आपका बहुत शुक्रिया भाई. ये टेबल हटाओ, ये टेबल हटाओ, क्योंकि अब अनफॉर्चुनेटली इमाम आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है. इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर, मुझे इतना मजा आया आप हमारे शो पे आए. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई हैव टू थैंक यू, जो एनर्जी आप लेके आए अपने साथ, यार आपने हमारे शो को चार चांद लगा दिए. सेम यर सर, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी. जितने भी लोग थे, पहले तो आपका सेट मुझे बहुत पसंद आया. मजा आया काफी शो. खाली सेट पसंद आया आपको? नहीं, सब कुछ अच्छा लगा. बंदा कहता है यार होस्ट बड़ा जबरदस्त है यार, देखो कितनी रिसर्च की हुई. इसीलिए मैंने कहा सब पसंद आया यार. होस्ट पसंद आया. होस्ट के अलावा सब पसंद आया, मतलब ये कहना. होस्ट के अलावा मुझे लगा था हमारी शो के इख्तिताम तक दोस्ती हो जाएगी. इमाम क्या कर रहे हैं आप? नहीं सर, ऑन अ सीरियस नोट, बहुत मजा आया. रियली अप्रिशिएट जिन्होंने भी जो किया, थैंक यू सो मच. और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा. और मेरी अगर पीसीबी में मेरी कोई आवाज़ सुन रहे, तो मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको मौका दें, उनके ऊपर थोड़ा हाथ होला रखें यार, कि वो आए इस तरह इंटरेक्ट करें. आई एम श्योर कि आपके जो फैंस हैं उन्होंने भी इस इंटरेक्शन को बड़ा एंजॉय किया होगा. बिल्कुल बिल्कुल, फैंस की तरफ से एक बड़ी हमें भी रिक्वेस्ट आती हैं, वो चाहते हैं कि हम क्रिकेटर्स को इन्वाइट करें, उनके क्या चीज़ें उन्हें पसंद हैं क्या नापसंद हैं उससे उसके बारे में पूछें. जैसे आपसे हमने सवाल पूछा बिरयानी में आपको आलू पसंद है या नहीं पसंद, आपने कितना गहरा सवाल है ये बहुत बहुत ज़्यादा. और मुझे वाकई अगर मेरे घर में अगर जब बिरयानी बनती है और उसमें आलू नहीं हो तो मुझे नहीं मजा आता. ये देखिए, ये सच्ची बात है, ये कितनी गहरी बात है फैंस के लिए. ये बहुत गहरी बात है. और थैंक यू, आपने ये गहरे सवाल का आज हमें जवाब दिया. जाते जाते इमाम, अगर आप अपने फैंस को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस को अगर कोई मैसेज देना चाहें तो ऑल द कैमराज आर योर्स. बस कुछ नहीं, जिस तरह वो सपोर्ट करते आए हैं और सपोर्ट करते रहे. आपको पता है कि ये वर्ल्ड कप का साल है तो सबकी नजरें उस पर ही हैं, तो हमारा ये आपसे पूरी कोशिश भी और वादा भी है कि हम पूरी जान लगा देंगे इंशाल्लाह कप को वापस लेके आने में. लेकिन आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों की दुआएं से हम कुछ भी नहीं है. तो बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमें सबको सपोर्ट करें. जब हम पे बुरा टाइम आए तभी हमें सबसे ज़्यादा आपकी सपोर्ट चाहिए, तो तब ज़रूर किया करें. वेल डन, थैंक यू. अब हम जाते जाते इन्वाइट करेंगे हमारे टीम का हिस्सा है, यंग सेंसेशन सिंगर हैं, अवार्ड्स भी जीत चुकी हैं माशाल्लाह. आई'd लाइक टू इन्वाइट हादिया हाशमी. आज वेखेगा कराउड मेरा ग्रुप टीवी पे.